जंग बिल्कुल होगी। खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। जंग नहीं करेंगे सलाउद्दीन से, नतीजा सिर्फ एक है, शिकस्त। सलाहुद्दीन 200,000 फौज के साथ उर्दन पार कर चुका है। वो सबसे पहले केरात पे कब्जे के लिए रेनाल्ड से दो दो हाथ करेगा मेरे आका। केरात पहुंचने से पहले हमें उसे जा लेना होगा, कमान मैं करूंगा। सलाउद्दीन अब नहीं बख्शेगा। टाइबेरियस को किसी भी ईसाई से ज्यादा मालूम है कि सलाउद्दीन क्या चाहता है। यरूशलम हमारा नहीं रहा। भूल जाओ कि कोई शहर था यरूशलम। मैं कब्रस जा रहा हूं, चलोगे तुम भी? वादा करता हूं मैं कि हर फर्द को ईसाई इलाकों तक रसाई दी जाएगी। तुम्हारी औरतें, बच्चे, बूढ़े और तुम्हारी मलिका, हर रूह को चाहे नाइट हो कि फौजी, चाहे कोई हो, मुझे कसम है अल्लाह की, किसी को खराश तक नहीं आएगी। ईसाइयों ने फतह के बाद किसी मुसलमान को जिंदा नहीं जाने दिया था। आपका शायद याद नहीं, मेरा नाम है सलाउद्दीन।
صلاح الدین. हमारे लश्कर बहरे रूम के उस पार इकट्ठे हो रहे हैं. जो मर गए सो मर गए, जो जिंदा हैं वो जानते हैं कि ये शिकस्त नहीं धोखा था. तुम अपने खैमे में वापस जाओ, उन लड़कियों से कहो कि खैमे में ना पड़ी रहें. बार बार सलाहुद्दीन अय्यूबी से मिलें, उसके सालारों से मिलें, बेतकल्लुफी पैदा करें, मुसलमान हो जाने का झांसा दें. आगे वो जानती हैं कि उन्हें क्या करना है. सबसे पहले तो ये मालूम करना है कि ये हुआ क्या. मुबी ने कहा, क्या सूडानियों ने हमें धोखा दिया है? मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता, रॉबिन ने कहा. मैंने हमले से बहुत पहले मिस्र में फैलाए हुए अपने जासूसों से जो मालूमात हासिल की थी वो ये है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को सूडानियों के 50,000 मुहाफिज लश्कर पर भरोसा नहीं. हालांकि ये मुसलमानों के वॉइस राय मिस्र की अपनी फौज है. अय्यूबी ने आकर मिस्री फौज तैयार कर ली है. सूडानी इसमें शामिल नहीं होना चाहते. उनके कमांडर नाजी ने हमसे मदद तलब की थी. मैंने उसका खत देखा था और मैंने तस्दीक की थी कि ये खत नाजी का ही है और इसमें कोई धोखा नहीं. मगर हमारे साथ हमारी तारीख का सबसे बड़ा धोखा हुआ है. मुझे ये मालूम करना है कि ये हुआ कैसे, किसने किया. मैं ये छानबीन किए बगैर वापस नहीं जा सकता. शाह अगस्त ने बड़े फखर से कहा था कि मैं मुसलमानों के घरों के अंदर के भेद मालूम करके उनकी बुनियादें हिला दूंगा. अब तसव्वुर करो मोबी, शहनशाह के दिल पर क्या गुजर रही होगी. वो मुझे सजाए मौत से कम सजा देगा. सलीब का कहर मुझ पर अलग नाजिल होगा. मैं सब जानती हूँ, मोबी ने कहा. जज्बाती बातें ना करो, अमल की बात करो. मुझे बताओ कि मैं क्या करूं. रॉबिन के आसाब पर अपना फर्ज और शिकस्त का एहसास इस हद तक गालिब था कि उसे ये भी एहसास नहीं था कि मूबी जैसी दिलकश लड़की, जिसके एक एक नक्श और जिस्म के अंग अंग में शराब का तलिस्म भरा हुआ था, उसके सीने से लगी हुई है और उसके रेशम जैसे मुलायम और लंबे बाल उसके आधे चेहरे को ढांपे हुए हैं. रॉबिन ने उन बालों के लम्स को जरा सा महसूस किया और कहा, मूबी तुम्हारे ये बाल ऐसी मजबूत जंजीरें हैं, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के गिर्द लिपट गईं तो तुम्हारा गुलाम हो जाएगा. लेकिन तुम्हें सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि क्रिस्टोफर और उसके साथियों से कहो कि वो ताजरों के भेस में नाजी के पास पहुंचे और मालूम करें कि उसके लश्कर ने बगावत क्यों नहीं की और ये राज फाश किस तरह हुआ कि उससे फायदा उठाकर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने गिनती के चंद एक दस्ते घात में बिठाकर हमारी 3 अफवाज का बेड़ा गर्क कर दिया. और उन्हें ये भी कहो कि मालूम करें कि नाजी सलाहुद्दीन अय्यूबी से ही तो नहीं मिल गया और उसने हमारा यही हशर कराने के लिए तो खत नहीं लिखा था. अगर ऐसा ही हुआ है तो मैं अपने जंगी मंसूबों में रद्दबदल करना होगा. मुझे यकीन हो गया है कि इस्लामियों की तादाद कितनी ही थोड़ी क्यों ना हो, इन्हें हम आसानी से शिकस्त नहीं दे सकते. जरूरी हो गया है कि इनके हुक्मरानों का और अस्करी क़यादत का जज्बा खत्म किया जाए. हमने तुम जैसी लड़कियां अरबों के हरमों में दाखिल कर दी हैं. तुमने बात फिर लंबी कर दी है, मूबी ने उसे डरते हुए कहा. हम अपने घर में एक बिस्तर पर नहीं लेटे हुए कि बड़े मजे से एक दूसरे को कहानियां सुनाते रहे. हम दुश्मन के कैंप में कैद और पाबंद हैं. बाहर संतरी फिर रहे हैं, रात गुजरती जा रही है. हमारे पास लंबी बातों का वक्त नहीं. हमारा मिशन तबाह हो चुका. अब बताओ कि इन हालात में हमारा मिशन क्या होना चाहिए. हम 7 लड़कियां और 6 मर्द हैं, हम क्या करें. एक ये कि नाजी के पास जाएं और उसके धोखे की छानबीन करें, फिर किसे इत्तला दें. तुम कहाँ मिलोगे. मैं यहाँ से फरार हो जाऊंगा, रॉबिन ने कहा. लेकिन फरार से पहले इस कैंप, इसकी नफरी और अय्यूबी के आइंदा अजायम के मुतालिक तफसील मालूम करूंगा. इस शख्स के मुतालिक हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा. इस वक्त इस्लामी कौम में ये वाहिद शख्स है जो सलीब के लिए खतरा है, वरना इस्लामी खिलाफत हमारे जाल में आती जा रही है. शाह एमलरिक कहता है कि मुसलमान इतने कमजोर हो गए हैं कि अब इनको हमेशा के लिए अपने पांव में बिठाने के लिए सिर्फ एक हल्ले की जरूरत है. अगर उसका ये अज़्म महज खुशफहमी साबित हुआ. मुझे यहाँ रहकर अय्यूबी की कमजोरियां देखनी है और तुम्हें 5 आदमियों के साथ मिलकर सूडानी लश्कर को भड़काना और बगावत करानी है. नहायत जरूरी यह है कि अय्यूबी जिंदा ना रहे. अगर वो जिंदा रहे तो हमारे इस कैद खाने में जिंदा रहे, जहां वो उम्र की आखिरी घड़ी तक सूरज न देख सके और रात को आसमान का इसे एक भी तारा नजर न आए. तुम पहले अपने खेमे में जाओ और अपनी 6 लड़कियों को उनका काम समझा दो. उन्हें खास तौर पर जहन नशीन कराओ कि उस आदमी का नाम अली बिन सुफियान है जिसे इन रेशमी बालों, शरबती आंखों और इतने दिलकश जिस्मों से ऐसा बेकनार करना है कि वो सलाहुद्दीन के काम का न रहे.
और अगर हो सके तो उसके और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान ऐसी गलत फहमी पैदा करनी है कि एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं। तुम सब अच्छी तरह जानती हो कि दो मर्दों में गलत फहमी और दुश्मनी किस तरह पैदा की जाती है। जाओ और लड़कियों को मुकम्मल हिदायत देकर क्रिस्टोफर के पास भेजो। उसे मेरा सलाम कहना और ये भी कहना कि तेरे तीर को अय्यूबी पर ही आकर खता होना था। अब इस गुनाह का कफारा अदा करो और जो काम तुम्हें सौंपा गया है वो 100% पूरा करो। रॉबिन ने मोबी के बालों को चूम कर कहा, तुम्हें सलीब पर अपनी इज्जत भी कुर्बान करनी पड़ेगी, लेकिन खुदा यसू मसीह की नजरों में तुम मरियम की तरह कमारी होगी। इस्लाम को जड़ से उखाड़ना है, हमने यरूशलम ले लिया है, मिस्र भी हमारा होगा। मोबी रॉबिन के बिस्तर से निकली और खेमे के पर्दे के पास जाकर पर्दा उठाया, बाहर झांका, अंधेरे में उसे कुछ भी नजर न आया। वो बाहर निकल गई और खेमे की ओर से देखा कि संतरी कहाँ है। उसे दूर किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी, ये संतरी ही हो सकता था। मूवी चल पड़ी और दरख्तों से गुजरती कदम कदम पर पीछे देखती। वो टीले तक पहुंच गई और अपने खेमे का रुख कर लिया। निस्फ रास्ता तय हो गया कि उसे दो आदमियों की दबी दबी बातों की आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें इसके खेमे के करीब मालूम होती थी। उसे ये खतरा नजर आने लगा कि संतरी ने मालूम कर लिया है कि एक लड़की गायब है और वो किसी दूसरे संतरी को या अपने कमांडर को बुला रहा है। उसने सोचा कि खेमे में जाने के बजाय अपने इन 5 साथियों के पास चली जाए जो मराकेशी ताजरों के भेस में कोई 1.5 मील दूर खेमाजन थे। मगर उसे ये ख्याल भी आ गया कि उसकी गुमशुदगी से बाकी लड़कियों पर मुसीबत आ जाएगी। वो थीं तो पूरी चालाक, फिर भी उन पर पाबंदियां सख्त होने का खतरा था और कोई चाराकार भी न था। वो भी जरा और आगे चली गई ताकि दो आदमियों की बातें सुन सके। उनकी जबान वो समझती थी, ये तो उसने धोखा दिया था कि वो सिसली की जबान के सिवा कोई जबान नहीं समझती। वो आदमी खामोश हो गए। मुबी दबे पांव आगे बढ़ी, उसे बाएं तरफ कदमों की आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर देखा, दरख्तों के दरमियान उसे एक स्याह साया जो किसी इंसान का था जाता नजर आया। उसने रुख बदल लिया और टीले की तरफ आने लगा। मुबी कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी, वो टीले पर चढ़ने लगी। टीला ऊंचा नहीं था, फौरन ही ऊपर चली गई। वो थी तो बहुत होशियार, लेकिन हर इंसान हर कदम पर पूरी एहतियात नहीं कर सकता। वो टीले की चोटी पर खड़ी हो गई। उसके पस मंजर में सितारों से भरा हुआ आसमान था। समंदर और सहरा की फजा रात को आईने की तरह शफाफ होती है। दरख्तों में जाते हुए आदमी ने टीले की चोटी पर टुनमुन दरख्त के तने की तरह का एक साया देखा। मूबी ने पहलू उस आदमी की तरफ कर दिया। उसके बाल खुले हुए थे जिन्हें उसने हाथ से पीछे किया। उसकी नाक, सीने का उभार और लंबा लिबादा तारीकी में भी राज को फाश करने लगा। ये आदमी रात के संतरियों का कमांडर था। वो आधी रात के वक्त कैंप की गश्त पे निकला और संतरियों को देखता फिर रहा था। ये संतरियों की तब्दीली का वक्त था। कमांडर इसलिए ज्यादा चौकस था कि सुल्तान अय्यूबी 3 सालारों के साथ कैंप में मौजूद था। सुल्तान डिसिप्लिन का बड़ा ही सख्त था। हर किसी को हर लम्हा खतरा लगा रहता था कि सुल्तान रात को उठकर गश्त पर आ जाएगा। कमांडर समझ गया कि टीले पर कोई लड़की खड़ी है। उसी शाम कमांडरों को खबरदार किया गया था कि सलीबियों ने जासूसी और तखरीबकारी के लिए लड़कियों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये लड़कियां सहराई खानाबदोशों के बहरूप में भी हो सकती हैं और ऐसी गरीब लड़कियों के भेस में भी जो फौजी कैंपों में खाने की भीख मांगने आती हैं, और ये लड़कियां अपने आप को मगविया और मजलूम जाहिर करके पनाह भी मांग सकती हैं। कमांडरों को बताया गया था कि आज 7 लड़कियां सुल्तान की पनाह में आई हैं, जिन्हें बजाहिर रहम करके मगर उन्हें मुश्तबे समझकर पनाह में ले लिया गया है। इस कमांडर ने ये अहकाम सुनकर अपने एक साथी से कहा था, अल्लाह करे ऐसी कोई लड़की मुझसे पनाह मांगे, और वो दोनों हंस पड़े थे। अब आधी रात के वक्त जब सालार कैंप सो रहा था, उसे टीले पर एक लड़की का हियोला नजर आ रहा था। पहले तो वो डरा कि ये चुड़ैल या जिन हो सकता है। उसने नए संतरी को लड़कियों के खेमे पर खड़ा करके उसे बताया था कि अंदर 7 लड़कियां हैं। उसने पर्दा उठाकर देखा तो दिए की पीली रोशनी में उसे 7 बिस्तर नजर आए थे। हर लड़की ने मुंह भी कंबलों में ढांप रखा था। सर्दी ज्यादा थी। उसने अंदर जाकर ये नहीं देखा था कि 7 बिस्तर खाली हैं और उस पर कंबल इस तरह रखे गए हैं जैसे इनके नीचे लड़कियां सोई हुई हों। उसे मालूम नहीं था कि 7वीं लड़की टीले पर उसके सामने खड़ी है। वो कुछ देर सोचता रहा कि उसे आवाज दे या उस तक खुद जाए, या अगर वो जिन चुड़ैल है तो उसके गायब होने का इंतजार करे। थोड़ी सी देर के इंतजार के बाद भी लड़की गायब ना हुई, बल्कि वो 2-3 कदम आगे चली और फिर पीछे को चल पड़ी और फिर रुक गई। कमांडर जिसका नाम फखरल मिस्री था, आहिस्ता आहिस्ता टीले तक गया और कहा, कौन हो तुम?
नीचे आओ। लड़की ने हिरन की तरह चौकड़ी भरी और टीले की दूसरी तरफ उतर गई। फख्र को यकीन आ गया कि कोई इंसान है, जिन या चुड़ैल नहीं। वो तनोमंद मर्द था। टीला ऊंचा नहीं था, वो लंबे लंबे डग भरता टीले पर चढ़ गया। उधर भी अंधेरा आई था। रात की खामोशी में उसे लड़की के कदमों की आहट सुनाई दी। वो टीले से दौड़ता उतरा और लड़की के पीछे गया। लड़की और तेज दौड़ पड़ी। फासला बहुत था, लेकिन फख्र मर्द था, फौजी था और चीते की रफ्तार से दौड़ रहा था। टीले के पीछे ऊंची नीची जमीन, खुश्क झाड़ियां और कहीं कहीं कोई दरख्त था। बहुत सा दौड़कर फख्र अल मिस्री ने महसूस किया कि उसके आगे तो कोई भी नहीं। उसने रुककर इधर उधर देखा। उसे अपने पीछे और बहुत बाएं लड़की के कदमों की आहट सुनाई दी। वो तरबियत याफ्ता लड़की थी। जहां उसे हुस्न और शबाब के इस्तेमाल की तरबियत दी गई थी, वहां उसे फौजी ट्रेनिंग भी दी गई थी और खंजर जनी के दाव पेच भी सिखाए गए थे। वो एक दरख्त की ओट में छुप गई थी। फख्र आगे गया तो वो दूसरी तरफ दौड़ पड़ी। ये ताकुब आंख मचोली की मानिंद था। फख्र को अंधेरा परेशान कर रहा था। मोबी के कदम खामोश हो जाते तो वो रुक जाता। कदमों की आवाज सुनाई देती तो वो दौड़ पड़ता। गुस्से से वो बावला हुआ जा रहा था। उसने ये जान लिया कि ये कोई जवान लड़की है। अगर बड़ी उम्र की होती तो इतनी तेज और इतना ज्यादा ना भाग सकती। ताकुब में फख्र 2 मील फासला तय कर गया। मोबी ने झाड़ियों और ऊंची नीची जमीन से बहुत फायदा उठाया। उसके मर्द साथियों का डेरा करीब आ गया था। वो दौड़ती हुई वहां तक जा पहुंची। उसने अपने आदमियों को आवाजें दी। वो घबरा के जागे और खेमे से बाहर आए। एक ने मशल जला ली। ये डंडे के सिरे पर लपेटे हुए कपड़े थे। उनकी आग की रोशनी बहुत ज्यादा थी। फख्र ने तलवार सौंत ली और हांपता कांपता उनके सामने जा खड़ा हुआ। उसने देखा कि ये 5 आदमी लिबास से सफरी ताजिर नजर आते हैं और मुसलमान लगते हैं। लड़की इनमें से एक की टांगों को दोनों बाजुओं में मजबूती से पकड़े बैठी हुई थी। मशल के नाचते शोले में उसके चेहरे पर घबराहट और खौफ नजर आ रहा था। उसका सीना उभर और बैठ रहा था। उसकी सांसें बुरी तरह उखड़ी हुई थीं। ये लड़की मेरे हवाले कर दो, फख्र अल मिस्री ने हुक्म के लहजे में कहा। ये एक नहीं, एक आदमी ने इल्तिजा के लहजे में जवाब दिया। हमने तो 7 लड़कियां आपके सुल्तान के हवाले की हैं, आप इसे ले जा सकते हैं। नहीं, मोबी ने उसकी टांगों को और मजबूती से पकड़ते हुए रोते हुए और खौफजदा लहजे में कहा, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। ये लोग ईसाइयों से ज्यादा वहशी हैं। इनका सुल्तान इंसान नहीं, सांड है, दरिंदा है। उसने मेरी हड्डियां भी तोड़ दी हैं। मैं उससे भाग कर आई। कौन सुल्तान? फख्र ने हैरान सा होकर पूछा। वही जिसे तुम सलाहुद्दीन अयूबी कहते हो, मोबी ने जवाब दिया। वो अब मिस्र की अरबी बोली बोल रही थी। ये लड़की झूठ बोल रही है, फख्र ने कहा और पूछा, ये है कौन? तुम्हारी क्या लगती है? अंदर आ जाओ दोस्त, बाहर सर्दी है, एक आदमी ने फख्र से कहा। तलवार न्याम में डाल लो, हम ताजिर हैं, हमसे आपको क्या खतरा? आओ इस लड़की की बिपता सुन लो। उसने आह भर के कहा, मैं आपके सुल्तान को मर्द मोमिन समझता था, मगर एक खूबसूरत लड़की देखकर वो ईमान से हाथ धो बैठा। वो बाकी 6 लड़कियों का भी यही हशर कर रहा होगा। उनका ये हशर दूसरे सालारों ने किया है, मूवी ने कहा। शाम को इन बेचारियों को अपने खेमे में ले गए थे और उन्हें बेसुध करके खेमे में डाल दिया। वो खेमे में बेहोश पड़ी हैं। फख्र अल मिस्री तलवार नियाम में डालकर उनके साथ खेमे में चला गया। अंदर जाकर बैठे तो एक आदमी ने आग जलाकर कहवे के लिए पानी रखा और उसमें जाने क्या कुछ डालता रहा। दूसरे आदमी ने फख्र से पूछा कि उसका रुतबा क्या है। उसने बताया कि वो कमांडर और अहदेदार है। उन्होंने इसके साथ बहुत सी बातें की, जिनसे उन्होंने अंदाजा कर लिया कि ये शख्स आम किस्म का सिपाही नहीं और जिम्मेदार फर्द है, जहीन और दलेर भी है। उन लोगों में से एक ने, जो क्रिस्टोफर था, फख्र को 7 लड़कियों की बिल्कुल वही कहानी सुनाई जो सलाहुद्दीन अयूबी को सुनाई थी। उन्होंने फख्र को यह भी बताया कि सुल्तान अयूबी ने उनके मुतालिक क्या कहा था। इन लड़कियों ने सुल्तान को ये पेशकश भी की थी कि वो अपने घरों को तो वापस नहीं जा सकती और ईसाइयों के पास भी नहीं जाना चाहती, इसलिए वो मुसलमान होने को तैयार हैं, बशर्ते कि कोई अच्छे रुतबों वाले अस्करी उनके साथ शादी कर लें। हमने सुना था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी किरदार के लिहाज से पत्थर है। हम हर रोज सफर पर रहने वाले ताजिर हैं, इन्हें कहां साथ लिए ले फिरते। इन्हें सुल्तान के हवाले कर दिया गया, मगर सुल्तान ने इस लड़की के साथ जो सलूक किया वो इसकी जबानी सुन लो। फख्र अल मिस्री ने लड़की की तरफ देखा तो लड़की ने कहा, हम बहुत खुश थीं कि खुदा ने हमें एक फरिश्ते की पनाह दी है। सूरज गुरूब होने के बाद सुल्तान का एक मुहाफिज आया और मुझे कहा कि सुल्तान बुला रहा है। मैं बाकी 6 लड़कियों की निस्बत जरा ज्यादा खूबसूरत हूँ। मुझे तवक्को नहीं थी कि तुम्हारा अयूबी मुझे बुरी नीयत से बुला रहा है।
मैं चली गई। सुल्तान अयूबी ने शराब की सुराही खोली, एक प्याला अपने आगे रखा और एक मुझे दिया। मैं ईसाई हूँ, शराब 100 बार पीए। बहरी जहाज में ईसाई कमांडरों ने मेरे जिस्म को खिलौना बनाए रखा है। सलाहुद्दीन अयूबी कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन अयूबी को मैं फरिश्ता समझती थी। मैं उसके जिस्म को अपने नापाक जिस्म से दूर रखना चाहती थी, मगर वो इन ईसाइयों से बदतर निकला जो मुझे बहरी जहाज में लाए थे। और जब उनका जहाज डूबने लगा तो उन्होंने हमें एक कश्ती में डालकर समंदर में उतार दिया। उनमें से किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। हमारे जिस्म नुचड़े हुए थे और हड्डियां चटकी हुई थी। खुदा ने हमें बचा लिया और इस आदमी की पनाह में फेंक दिया जो फरिश्ते के रूप में दरिंदा है। मुझे सुल्तान ने ही बताया था कि मेरे साथ की बाकी 6 लड़कियां उसके सालारों के खेमों में हैं। मैंने सुल्तान के पांव पकड़कर कहा कि मेरे साथ शादी कर लो। उसने कहा कि अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो शादी के बगैर तुम्हें अपने हरम में रख लूंगा। उसने मेरे साथ वैश्यों का बर्ताव किया, शराब में बदमस्त था। उसने मुझे अपने साथ ले डाल लिया। जूं ही उसकी आंख लगी मैं वहां से भाग गई। अगर मेरी बात का एतबार ना आए तो इसके मुहाफिजों से पूछ लो। इस दौरान एक आदमी ने फखर को कहवा पिलाया। जरा सी देर बाद फखर का मिजाज बदलने लगा। उसने नफरत से कहकह लगाया और कहा, हमें हुक्म देते हैं कि औरत और शराब से दूर रहो और खुद शराब पीकर रातें औरतों के साथ गुजारते हैं। फखर महसूस ही न कर सका कि लड़की की कहानी महज बेबुनियाद है, और ना ही वो ये महसूस कर सका कि उसका मिजाज क्यों बदल गया है। उसे हशीश पिला दी गई थी, उस पर ऐसा नशा तारी हो चुका था जिसे वो नशा नहीं समझता था। वो अब अपने तसव्वुरों में बादशाह बन चुका था। लड़की के चेहरे पर मशल के शोले की रोशनी नाच रही थी। उसके बिखरे हुए स्याही मायल भूरे बाल चमक रहे थे। वो फखर को पहले से ज्यादा हसीन नजर आने लगी। उसने बेताब होकर कहा, तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें पनाह में लेता हूं। नहीं, लड़की डर के पीछे हट गई और बोली, तुम भी मेरे साथ अपने सुल्तान जैसा सलूक करोगे तो मुझे अपने खेमे में ले जाओगे और मैं एक बार फिर तुम्हारे सुल्तान के कब्जे में आ जाऊंगी। हम तो अब दूसरी 6 लड़कियों को बचाने की सोच रहे हैं, एक ताजिर ने कहा। हम इनकी इज्जत बचाना चाहते थे मगर हमसे भूल हुई। फखरुद्दीन की निगाहें लड़की पर जमी हुई थीं। उसने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। खैमे में खामोशी तारी हो गई जिसे क्रिस्टोफर ने तोड़ा। उसने कहा, तुम अरब से आए हो या मिस्री हो? मिस्री, फखर ने कहा। मैं 2 जंगें लड़ चुका हूं, इसलिए मुझे ये ओहदा दिया गया है। सूडानी फौज कहाँ है जिसका सालार नाजी है? क्रिस्टोफर ने पूछा। उस फौज का एक सिपाही भी हमारे साथ नहीं आया, फखर ने जवाब दिया। जानते हो ऐसा क्यों हुआ है? क्रिस्टोफर ने कहा। सूडानियों ने सलाहुद्दीन अयूबी की अमारत और कमान को तस्लीम नहीं किया। वो फौज अपने आप को आजाद समझती है। नाजी ने सुल्तान अयूबी को बता दिया था कि वो मिस्र से चले जाएं क्योंकि वो गैर मुल्की हैं। इसीलिए अयूबी ने मिस्रियों की फौज बनाई और लड़ाने के लिए यहाँ ले आया। नादरीन, आज की किस्त में इतना ही। हमारी नई वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगेबान। मुहाफिज दस्ते का कमांडर खैमे में आया और इत्तला दी कि मुहाफिज कुछ लड़कियों और आदमियों को साथ लाए हैं। सुल्तान अयूबी बाहर निकले, उनके 3 सालार भी साथ थे। बाहर 5 आदमी खड़े थे जिनके लंबे चौगे दस्तारें और डेल डोल बता रही थी कि ताजर हैं और सफर में हैं। उनके साथ 7 लड़कियां थीं, 7 जवान थीं और एक से बढ़कर खूबसूरत। इन मुहाफिजों में से एक ने, जो सुल्तान पर तीर चलाने वाले की तलाश में गए थे, बताया कि उन्होंने तमाम इलाका छान मारा, उन्हें कोई आदमी नजर नहीं आया। दूर पीछे गए तो ये लोग 3 ऊंटों के साथ डेरा डाले हुए थे। क्या इनकी तलाशी ली है? एक सालार ने पूछा। ली है, मुहाफिज ने जवाब दिया। ये कहते हैं कि ये ताजर हैं, इनका सारा सामान खुलवा कर देखा है, जामे तलाशी भी लिए। इनके पास इन खंजरों के सिवा कोई हथियार नहीं। उसने 5 खंजर सुल्तान अयूबी के कदमों में रख दिए। हम मराकिश के ताजिर हैं, एक ताजिर ने कहा। सिकंदरिया तक जाएंगे, 2 रोज गुजरे, हमारा कयाम यहीं से 10 कोस पीछे था। परसों शाम ये लड़कियां हमारे पास आईं, इनके कपड़े भीगे हुए थे। उन्होंने बताया कि ये सिसली की रहने वाली हैं। इन्हें ईसाई फौज का एक कमांडर घरों से पकड़कर साथ लाया और एक बहरी जहाज में जा सवार किया। इनके माँ बाप गरीब हैं, ये कहती हैं कि बेशुमार जहाज और कश्तियाँ चल पड़ी। लड़कियों वाले जहाज में चंद और कमांडर किस्म के आदमी थे और उनकी फौज भी थी। वो सब इन लड़कियों के साथ शराब पीकर ऐशो इशरत करते रहे। इस साहिल के करीब आए तो जहाजों पर आग के गोले गिरने लगे। तमाम लोग जहाज से समंदर में कूदने लगे। इन लड़कियों को उन्होंने एक कश्ती में बिठाकर जहाज से समंदर में उतार दिया। ये बताती हैं कि इन्हें कश्तियां चलानी नहीं आती थीं।
कश्ती समंदर में डोलती और भटकती रही, फिर एक रोज खुद ही साहिल से आ लगी। हमारा कयाम साहिल के साथ था, ये हमारे पास आ गई। बहुत ही बुरी हालत में थी, हमने इन्हें पनाह में ले लिया। इन्हें हम दुदकार तो नहीं सकते थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि उनका क्या करें। पीछे पड़ाव से यहाँ तक इन्हें साथ लाए हैं, ये सवार आ गए और हमारे सामान की तलाशी लेने लगे। हमने इनसे तलाशी की वजह पूछी तो इन्होंने बताया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अमीर मिस्र का हुक्म है। हमने इनकी मिन्नत समाजत की कि हमें अपने सुल्तान के हुजूर ले चलो, हम अर्ज करेंगे कि इन लड़कियों को अपनी पनाह में ले ले, हम सफर में हैं, इन्हें कहां कहां लिए फिरेंगे। लड़कियों से पूछा तो वो सिसली की जबान बोल रही थीं, वो डरी डरी सी लगती थीं। उनमें से दो तीन इकट्ठी ही बोलने लगी। सलाहुद्दीन अयूबी ने ताजरों से पूछा कि उनकी जबान कौन समझता है। एक ने बताया कि सिर्फ मैं समझता हूँ, ये इल्तिजा कर रही है कि सुल्तान उन्हें पनाह में ले ले। कहती हैं कि हम ताजरों के काफिले के साथ नहीं जाएंगी, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में डाकू हमें उठा कर ले जाएं। इधर जंग भी हो रही है, हर तरफ ईसाइयों और मुसलमानों के सिपाही भागते दौड़ते फिर रहे हैं। हमें सिपाहियों से बहुत डर आता है, हमें जब घरों से उठाया गया था तो हम सब कवारी थीं। इन फौजियों ने बहरी जहाज में हमें तवायफे बना रखा है। एक लड़की ने कुछ कहा तो उसकी जबान जानने वाले ताजर ने सुल्तान अयूबी से कहा, ये कहती है कि हमें मुसलमानों के बादशाह तक पहुँचा दो, हो सकता है उसके दिल में रहम आ जाए। एक और लड़की बोल पड़ी, उसकी आवाज रुंधियाई हुई थी। ताजर ने कहा, ये कहती है कि हमें ईसाई सिपाहियों के हवाले न किया जाए, मैं मुसलमान हो जाऊंगी बशर्ते कि कोई अच्छी हैसियत वाला मुसलमान मेरे साथ शादी कर ले। दो तीन लड़कियां पीछे खड़ी मुंह छुपाने की कोशिश कर रही थीं। उनके चेहरों पर घबराहट थी, बात करते शर्माती या डरती थी। सलाहुद्दीन अयूबी ने ताजर से कहा, इन्हें कहो कि ये ईसाइयों के पास नहीं जाना चाहती, हम इन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। ये लड़की जो कह रही है कि मुसलमान हो जाएगी बशर्ते कि कोई मुसलमान इसके साथ शादी कर ले, इसे कहो कि मैं इसकी पेशकश कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि ये खौफ और मजबूरी के आलम में इस्लाम कबूल करना चाहती है। इन्हें बताओ कि इन्हें मुझ पर एतमाद है तो मैं इन्हें इस्लाम की बेटियों की तरह पनाह में लेता हूँ, अपने दारुल हुकूमत में जाकर ये इंतजाम कर दूंगा कि इन्हें ईसाई राहबों या किसी पादरी के पास भिजवा दूंगा, पादरी यरूशलम में होंगे। दूसरी सूरत यह है कि सब ईसाई कैदियों को आज़ाद कर दिया जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि इनकी शादियां काबिले एतमाद और अच्छी हैसियत के कैदियों के साथ कर दूं। इन्हें यह भी बता दो कि किसी मुसलमान को इनसे मिलने की इजाज़त नहीं होगी और ना इन्हें इजाज़त होगी कि किसी मुसलमान से मिले, इनकी जरूरियात और इज्जत का ख्याल रखा जाएगा। ताजर ने लड़कियों को उनकी जबान में सुल्तान अयूबी की सारी बातें बताईं तो उनके चेहरों पर रौनक आ गई, वो इन शरायत पर रजामंद हो गईं। ताजर शुक्रिया अदा करके चले गए। सलाहुद्दीन अयूबी ने लड़कियों के लिए अलग खैमे लगाने और खैमे के बाहर हर वक्त एक संतरी मौजूद रहने का हुक्म दिया। वो खैमे की जगह बताने ही लगे थे कि 6 सलीबी कैदी सुल्तान अयूबी के सामने लाए गए। वो बहुत ही बुरी हालत में थे, उनके कपड़े भीगे हुए थे, कपड़ों पर खून भी था और रेत भी, उनके चेहरे लाशों के मानिंद थे। उनके मुतालिक बताया गया कि 1.5-2 मील दूर साहिल पर बेसुध पड़े थे, वो टूटी हुई कश्तियों पर तैर रहे थे। एक दिन कश्ती पानी भर जाने से डूब गई, ये सब तैरकर साहिल तक पहुंचे। कश्ती में 22 आदमी सवार हुए थे, सिर्फ ये 6 जिंदा बचे, उनसे चला नहीं जाता था। ये सलीबी लश्कर के सिपाही थे, ये सब धड़ाम से बैठ गए। उनमें से एक चेहरे मोहरे से लगता था कि मामूली सिपाही नहीं है, वो कर्राह रहा था, उसके कपड़ों पर खून का एक धब्बा भी न था मगर जख्मियों से ज्यादा तकलीफ में मालूम होता था। उसने सातों लड़कियों को गौर से देखा और फिर कराहने लगा, ये सुल्तान अयूबी का हुक्म था कि हर एक कैदी इसे दिखाया जाए। चूंकि कैदी अभी तक समंदर से बचकर निकल ही रहे थे, इसलिए हर एक कैदी सुल्तान अयूबी के सामने लाया जाता था। सुल्तान ने उन कैदियों को भी देखा, किसी से कोई बात न की, अलबत्ता उस कैदी को जो सबसे ज्यादा कराह रहा था और जिसके जिस्म पर कोई जख्म भी ना था। सुल्तान ने गौर से देखा और आहिस्ता से अपने सालारों से कहा, अली बिन सुफियान अभी तक नहीं आया, इन तमाम कैदियों से जो अब तक हमारे पास आ चुके हैं बहुत कुछ पूछना है, इनसे मालूमात लेनी है। उन्होंने उस कैदी की तरफ देखकर कहा, यह आदमी कमानदार मालूम होता है, इसे नजर में रखना और जब अली बिन सुफियान आए तो उसे कहना कि इससे तफसीली पूछगछ करे, मालूम होता है इसे अंदर की चोटें आई हैं, शायद पसलियां टूटी हुई हैं, इन्हें फौरन जख्मी कैदियों के खेमों में पहुंचा दो, इन्हें खिलाओ पिलाओ और इनकी मरहम पट्टी करो। कैदियों को उस तरफ ले जाया गया जहां सिर्फ जख्मी कैदियों के खेमे थे, लड़कियां उन्हें जाता देखती रहीं, फिर उन लड़कियों को भी ले गए। फौज के खेमों से थोड़ी दूर लड़कियों के लिए खेमा नस्ब किया जा रहा था, वहां से कोई 100 कदम और जख्मी कैदियों के खेमे थे, वहां भी एक खेमा गाड़ा जा रहा था और 6 नए जख्मी कैदी जमीन पर लेटे हुए थे। लड़कियां उनकी तरफ देख रही थीं, दोनों खेमे खड़े हो गए।
लड़कियां अपने खेमे में चली गईं और जख्मियों को उनके अपने खेमे में ले गए। एक संतरी लड़कियों के खेमे के बाहर खड़ा हो गया। लड़कियों के लिए खाना आ गया जो उन्होंने खा लिया। फिर एक लड़की खेमे से निकलकर उस खेमे की तरफ देखने लगी जिसमें नए 6 जख्मी कैदियों को ले गए थे। उसके चेहरे पर अब घबराहट और खौफ का कोई तासर नहीं था। संतरी ने उसे देखा और उसने संतरी को देखा। लड़की ने मुस्कुराकर इशारा किया कि वो जख्मियों के खेमे की तरफ जाना चाहती है। संतरी ने सर हिलाकर उसे रोक दिया। लड़कियों को खेमे से दूर जाने या किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी। लड़कियों और 6 जख्मियों के खेमे के दरमियान बहुत से दरख्त थे। बाईं तरफ मट्टी का एक टीला था जिस पर झाड़ियां थी। सूरज गुरूब हो गया। फिर रात तारीख होने लगी। कैंप के गुलगपाड़े पर नींद गालिब आने लगी और फिर जख्मियों के कराहने की आवाजें रात के सुकूत में कुछ ज्यादा ही साफ सुनाई देने लगी। दूर परे बहरे रूम का शोर दबी दबी मुसलसल गूंज की तरह सुनाई दे रहा था। सलाहुद्दीन अयूबी के इस जंगी कैंप में जागने वालों में चंद एक संतरी थे या वो जख्मी कैदी जिन्हें जख्म सोने नहीं देते थे, या सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे के अंदर जहां दिन का समान था वहां किसी को नींद नहीं आई थी। सुल्तान अयूबी के 3 सालार उनके पास बैठे थे और बाहर मुहाफिज दस्ता बेदार था। सुल्तान अयूबी ने एक बार फिर कहा, अली बिन सुफियान अभी तक नहीं आया। उनके लहजे में तश्वीश थी। उन्होंने कहा, उसका कासिद भी नहीं आया। अगर कोई गड़बड़ होती तो इत्तला आ चुकी होती। एक सालार ने कहा, मालूम होता है वहां सब ठीक है, उम्मीद तो यही रखनी चाहिए। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, लेकिन 50,000 के लश्कर ने बगावत कर दी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। वहां हमारी नफरी 1,500 सवार और 2,700 प्यादा है। उनके मुकाबले में सुडानी बेहतर और तजुर्बाकार अस्करी हैं और तादाद में बहुत ज्यादा। नाजी और उसके साजिशी टोले के खात्मे के बाद बगावत मुमकिन नजर नहीं आती। एक और सालार ने कहा, क़यादत के बगैर सिपाही बगावत नहीं करेंगे, पेशबंदी जरूरी है। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, लेकिन अली आ जाए तो ये पता चले कि पेशबंदी किस किस्म की जाए। सलीबियों को रोकने के लिए तो सुल्तान अयूबी खुद आए थे, लेकिन दारुल हुकूमत में सुडानी फौज की बगावत का खतरा था। अली बिन सुफियान को सुल्तान अयूबी ने वहीं छोड़ दिया था ताकि वो सुडानी लश्कर पर नजर रखे और बगावत को अपने खसूसी फन से दबाने की कोशिश करे। उसे अभी तक सलाहुद्दीन अयूबी के पास आकर वहां के अहवाल और कवायफ बताने थे, मगर वो नहीं आया था, जिससे सुल्तान अयूबी बेचैन हो रहे थे। जब वो अपने सालारों के साथ काहिरा की सूरतेहाल से मुतालिक बातें कर रहे थे, उनका तमाम कैंप गहरी नींद सो चुका था, मगर वो 7 लड़कियां जाग रही थीं, जिन्हें सुल्तान अयूबी ने पनाह में ले लिया था। एक बार संतरी ने खेमे का पर्दा उठाकर देखा, अंदर दिया जल रहा था। पर्दा हटते ही लड़कियां खर्राटे लेने लगी। संतरी ने देखा कि वो पूरी 7 हैं और सो रही हैं, तो उसने पर्दा गिरा दिया और खेमे के साथ लगकर बैठ गया। खेमे के पर्दे के साथ जो लड़की थी उसने नीचे से पर्दा जरा ऊपर उठाया। पर्दा आहिस्ता से छोड़कर उसने 7 वाली के कान में कहा, बैठ गया है। 7 वाली ने अगली लड़की के कान में कहा, बैठ गया है। और इसी तरह कानों कानों ये इत्तला 7 लड़कियों तक पहुंच गई कि संतरी बैठ गया है। एक लड़की जो खेमे के दूसरे दरवाजे के साथ थी आहिस्ता से उठ बैठी और बिस्तर से निकल गई। बिस्तर जमीन पर बिछे थे। उसने ऊपर लेने वाले कंबल इस तरह बिस्तर पर डाल दिए जैसे नीचे लड़की लेटी हुई है। वो पांव पर सरकती खेमे के दरवाजे तक गई, पर्दा हटाया और बाहर निकल गई। बाकी 6 लड़कियों ने आहिस्ता आहिस्ता खर्राटे लेने शुरू कर दिए। संतरी को मालूम था कि ये समंदर से बचकर निकली हुई पनाह गुजीन लड़कियां हैं, कोई खतरनाक कैदी तो नहीं। वो बैठकर ऊँघता रहा। लड़की दबे पांव ऐसे रुख पर टीले की तरफ चली गई जिस रुख से उसके और संतरी के दरमियान खेमा हायल रहा। टीले के पास पहुंचकर उसने खेमे का रुख कर लिया जिसमें 6 नए कैदी रखे गए थे। रात तारीख थी, वहां कुछ दरख्त थे। संतरी अब उधर देखता भी तो उसे लड़की नजर न आती। लड़की बैठ गई और पांव पर सरक सरक कर आगे बढ़ने लगी। आगे रेत की ढेरियां सी थीं। वो उनकी ओट में सिरकती हुई खेमे के करीब पहुंची, मगर वहां एक संतरी टहल रहा था। लड़की एक ढेरी के पास लेट गई। संतरी इसे स्याह साए की तरह नजर आ रहा था। अब वो 2 संतरियों के दरमियान थी, एक उसके अपने खेमे का और दूसरा जख्मियों के खेमे का। डर ये था कि जख्मियों का संतरी इस तरफ आ गया तो वो पकड़ी जाएगी। बहुत देर इंतजार के बाद संतरी दूसरे जख्मियों की तरफ चला गया। लड़की हाथों और घुटनों के बल चलती खेमे तक पहुंच गई और पर्दा उठाकर अंदर चली गई। अंदर अंधेरा था। 2-3 जख्मी आहिस्ता आहिस्ता कराह रहे थे। शायद उनमें से किसी ने खेमे का पर्दा उठता देख लिया था। उसने नहीफ आवाज में पूछा, कौन है? लड़की ने मुंह से श की लंबी आवाज निकाली और सरगोशी में पूछा, रॉबिन कहाँ है? उसे जवाब मिला, उधर से तीसरा। लड़की ने तीसरे आदमी के पांव हिलाए तो आवाज आई, कौन है? लड़की ने जवाब दिया, मुंह भी।
रॉबिन उठ बैठा, हाथ लंबा करके लड़की को बाजू से पकड़ा और उसे अपने बिस्तर में घसीट लिया। उसे अपने पास बिठाया और कंबल डाल दिया। संतरी ना आए, मेरे साथ लगी रहो। उसने लड़की को अपने साथ लगा लिया और कहा, मैं इस इत्तेफाक पर हैरान हो रहा हूँ कि हमारी मुलाकात हो गई है। ये एक मौजजा है जिससे जाहिर होता है कि खुदा यीशु मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है। हमने बहुत बुरी शिकस्त खाई है, लेकिन ये सब धोखा था। ये वही जख्मी कैदी था जो दूसरे से अलग थलग और चेहरे मोहरे और जिस्म जस्से से मामूली सिपाही नहीं बल्कि आला रुतबे का लगता था। सलाहुद्दीन अयूबी ने भी कहा था कि ये कोई मामूली सिपाही नहीं, इस पर नजर रखना। अली बिन सुफियान इससे तफ्तीश और तहकीकात करेगा। तुम कितने कुछ जख्मी हो, लड़की ने उससे पूछा। कोई हड्डी तो नहीं टूटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रॉबिन ने जवाब दिया। खराश तक नहीं आई। इन्हें बताया कि अंदर की चोटें और सीने के अंदर शदीद दर्द है, लेकिन मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। फिर यहाँ क्यों आ गए हो, लड़की ने पूछा। मैंने बहुत कोशिश की कि मिस्र में दाखिल हो जाऊं और सूडानी लश्कर तक पहुंच सकूं, लेकिन हर तरफ इस्लामी फौज फैली हुई है, कोई रास्ता नहीं मिला। इन 5 जख्मियों को इकट्ठा किया, उनके साथ जख्मी बनकर यहाँ आ गया। अब फरार की कोशिश करूंगा, जो अभी मुमकिन नजर नहीं आती। उसने जरा गुस्से से कहा, मुझे 2 सवालों का जवाब दो। अयूबी को मैंने जिंदा देखा है, क्यों? क्या तीर खत्म हो गए थे या वो हराम खोर बुजदिल हो गए? और दूसरा सवाल ये कि तुम 7 की 7 लड़कियां मुसलमानों की कैद में क्यों आ गईं? क्या वो 5 मर गए हैं या भाग गए हैं? वो जिंदा हैं रॉबिन, मोबी ने कहा। तुम कहते हो खुदा यीशु मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हमारा खुदा हमें किसी गुनाह की सजा दे रहा है। सलाहुद्दीन इसलिए जिंदा है कि तीर उसके पांव के दरमियान रेत में लगा था। क्या तीर किसी लड़की ने चलाया था, रॉबिन ने पूछा। क्रिस्टोफर कहाँ था? उसी ने चलाया था, मगर क्रिस्टोफर का तीर खता गया, रॉबिन ने हैरत से तड़प कर पूछा। वो क्रिस्टोफर जिसकी तीरंदाजी ने शाह ऑगस्टस को हैरान कर दिया, उसकी जाती तलवार इनाम में ली थी, यहाँ आकर उसका निशाना इतना चूक गया कि 6 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा सलाहुद्दीन उसके तीर से बच गया। बदबख्त के हाथ डर से कांप गए होंगे, फासला ज्यादा था, मोबी ने कहा। और क्रिस्टोफर कहता था कि तीर कमान से निकलने ही लगा था कि खुली हुई आंख में मच्छर पड़ गया, इसी हालत में उसका तीर निकल गया। फिर क्या हुआ? जो होना चाहिए था, मोबी ने कहा। सलाहुद्दीन साहिल पर गया तो उसके साथ 3 कमांडर थे और 4 मुहाफिजों का दस्ता था, वो हर तरफ फैल गए। ये तो हमारी खुशकिस्मती थी कि इलाका चट्टानी था। क्रिस्टोफर बच के निकल आया और फिर हमें इतना वक्त मिल गया कि तरकश और कमान रेत में दबाकर ऊपर ऊंट बिठा दिया। सिपाही आ गए तो क्रिस्टोफर ने उन्हें बताया कि वो 5 मराकिश के ताजिर हैं और ये लड़कियां समंदर से निकलकर हमारी पनाह में आई हैं। मुसलमान सिपाहियों ने हमारे सामान की तलाशी ली, उन्हें तिजारती सामान के सिवा कुछ नहीं मिला। वो हम सबको सुल्तान अयूबी के सामने ले गए। हमने ये जाहिर किया कि हम सिसली की जबान के सिवा और कोई जबान नहीं जानती। क्रिस्टोफर ने अयूबी से कहा कि वो हमारी जबान जानता है। हम 7 लड़कियों ने शहरों पर घबराहट और खौफ पैदा कर लिया। मोबी ने रॉबिन को वो सारी बातें बताई जो सुल्तान अयूबी के साथ हुई थी। ये 7 लड़कियां और 5 आदमी जो मराकशी ताजरों के भेस में थे, हमले से 2 रोज पहले साहिल पर उतारे गए थे। 5 आदमी सलीबियों के तजुर्बाकार जासूस और कमांडो थे और लड़कियां भी जासूस थीं। जासूसी के अलावा उनके जिम्मे ये काम भी था कि मुसलमान सालारों को अपने जाल में फांसे। वो खूबसूरत तो थी ही, उन्हें जासूसी और जहनों की तखरीबकारी की खास ट्रेनिंग दी गई थी। इस ट्रेनिंग में अदाकारी खास तौर पर शामिल थी। 5 मर्दों का ये मिशन था कि सलाहुद्दीन अयूबी को खत्म करना और नाजी के साथ राबिता रखना। ये लड़कियां मिस्र की जबान रवानी से बोल सकती थीं, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। रॉबिन इस शोबे का सरबरा, उसे नाजी तक पहुंचना था, मगर सलाहुद्दीन अयूबी और अली बिन सुफियान की चाल ने यहाँ के हालात का रुख ही उल्टा कर दिया। क्या तुम सलाहुद्दीन को जाल में नहीं फांस सकती, रॉबिन ने पूछा। अभी तो यहाँ पहली रात है, मोबी ने कहा। उसने हमारे मुतालिक जो फैसला दिया है, अगर वो सच्चे दिल से दिया है तो इसका मतलब यह है कि वो मर्द नहीं पत्थर है। अगर उसे हमारे साथ कोई दिलचस्पी होती तो किसी एक लड़की को अपने खेमे में बुला लेता। उसे कत्ल करना भी आसान नहीं। वो एक ही बार साहिल पर आया था, मगर तीर खता गया। वो सालारों और मुहाफिजों के नरगे में रहता है। उधर एक संतरी हमारे सर पर खड़ा है और मुहाफिजों के पूरे दस्ते ने सलाहुद्दीन के खेमे को घेर रखा है। वो 5 कहाँ है, रॉबिन ने पूछा। थोड़ी दूर है, मोबी ने जवाब दिया। वो अभी यही रहेंगी। सुनो मोबी, रॉबिन ने कहा, इस शिकस्त ने मुझे पागल कर दिया है। मेरे जमीर पर इतना बोझ आ पड़ा है जैसे इस शिकस्त की जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। सलीब पर हाथ रखकर हल्फ तो सबसे लिया गया है, लेकिन एक सिपाही के हल्फ में और मेरे हल्फ में जमीन और आसमान जितना फर्क है। मेरे रुतबे को सामने रखो, मेरे फराइज को देखो। आधी जंग मुझे जमीन के नीचे से और पीठ के पीछे से वार करके जीतनी थी, मगर मैं और तुम 7 और वो 5 अपना फर्ज अदा नहीं कर सके। मुझसे ये सलीब जवाब मांग रही है।
उसने गले में डाली हुई सलीब हाथ में लेकर कहा, मैं इसे अपने सीने से जुदा नहीं कर सकता। उसने मोबी के सीने पर हाथ फेर कर उसकी सलीब हाथ में ले ली और कहा, तुम अपने माँ बाप को धोखा दे सकती हो, इस सलीब से आंखें नहीं चुरा सकती। इसने जो फर्ज तुम्हें सौंपा है वो पूरा करो। खुदा ने जो तुम्हें हुस्न दिया है वो चट्टानों को फाड़ कर तुम्हें रास्ता दे देगा। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ कि हमारी अचानक और गैर मुतवक्के मुलाकात इस बात का सबूत है कि हम कामयाब होंगे। नाज़रीन, आज की किस्त में इतना ही। हमारी नई वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगेबान। यही इशारा काफी था वह इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सके कि दूसरा ऊँट कहाँ है। दूसरे ऊँट के पाँव के निशान मिल गए। अली बिन सुफयान ने उन्हें कहा, तुम्हारा जुर्म मामूली चोरी चकारी नहीं, तुम एक पूरी सल्तनत और उसकी तमाम आबादी के लिए खतरा हो, इसलिए मैं तुम पर जरा भर भी रहम नहीं करूंगा। क्या तुम ताजर हो? हाँ, सबने सर हिला के कहा। हम ताजर हैं जनाब, हम बेगुनाह हैं। अली बिन सुफयान ने कहा, अपने हाथों की उल्टी तरफ मेरे सामने करो। पांचों ने हाथ उल्टे करके आगे कर दिए। अली ने सबके बाएं हाथ के अंगूठे और शहादत की उंगली की दरमियानी जगह को देखा और एक आदमी को कलाई से पकड़कर घसीट लिया। उसे कहा, कमान और तरकश कहाँ छुपा रखी है? उस आदमी ने मासूम बनने की बहुत कोशिश की। अली ने सुल्तान अयूबी के एक मुहाफिज को अपने पास बुलाकर उसके बाएं हाथ की उल्टी तरफ उसे दिखाई। इसके अंगूठे की उल्टी तरफ उस जगह जहाँ अंगूठा हथेली के साथ मिलता है, यानी जहाँ जोड़ होता है, वहाँ एक निशान था। ऐसा निशान उस आदमी के अंगूठे के जोड़ पर भी था। अली ने उसे अपने मुहाफिज के मुतालिक बताया, ये सुल्तान का बेहतरीन तीरंदाज है और ये निशान इसी का सबूत है कि यह तीरंदाज है। इसके अंगूठे की उल्टी तरफ एक मध्यम सा निशान था जिसे वहां बार बार कोई चीज रगड़ी जाती है। ये तीरों की रगड़ के निशान थे। तीर दाएं हाथ से पकड़ा जाता है, कमान बाएं हाथ से पकड़ी जाती है। तीर का अगला हिस्सा बाएं हाथ के अंगूठे पर होता है और जब तीर कमान से निकलता है तो अंगूठे पर रगड़ खा जाता है। ऐसा निशान हर एक तीरंदाज के हाथ पर होता है। अली बिन सुफयान ने उसे कहा, इन पांच में तुम अकेले तीरंदाज हो, कमान और तरकश कहाँ है? पांचों चुप रहे। अली ने उन पांच में से एक को पकड़कर मुहाफिजों से कहा, इसको इस दरख्त के साथ बांध दो। उसे खजूर के दरख्त के साथ खड़ा करके बांध दिया गया। अली ने अपने तीरंदाज के कान में कुछ कहा। तीरंदाज ने कंधे से कमान उतार कर उसमें तीर रखा और दरख्त से बंधे हुए आदमी का निशाना लेकर तीर छोड़ा। तीर उस आदमी की दाई आंख में उतर गया, वो तड़पने लगा। अली ने बाकी चार से कहा, तुम में कितने हैं जो सलीब की खातिर इस तरह तड़प तड़प कर जान देने को तैयार हैं? इसकी तरफ देखो। उन्होंने देखा, वो आदमी चीख रहा था, तड़प रहा था और उसकी आंख से खून बुरी तरह बह रहा था। मैं तुम सबसे वादा करता हूँ, अली बिन सुफयान ने कहा, कि बाइज्जत तरीके से तुम सबको समंदर पार भेज दूंगा। दूसरे ऊँट पर कौन गया है, कहाँ गया है? तुम्हारा अपना एक कमानदार हमारा ऊँट हमसे छीन कर ले गया है, एक आदमी ने कहा, और एक लड़की भी, अली बिन सुफयान ने कहा। थोड़ी ही देर बाद अली बिन सुफयान के फन ने उनसे एतराफ करवा लिया कि वो कौन हैं और क्या हैं, मगर उन्होंने ये झूठ बोला कि लड़की रात खैमे से भाग गई थी और उसने बताया कि सलाहुद्दीन अयूबी ने रात उसे अपने खैमे में रखा था। उसने शराब पी रखी थी और लड़की को भी पिलाई थी और लड़की घबराहट और खौफ के आलम में आई थी। उसके ताकब में फखरुल मिस्री नाम का एक कमानदार आया और उसने जब लड़की की बातें सुनी तो उसे हमारे ऊंट पर बिठाकर जबरदस्ती ले गया। उन्होंने वो तमाम बोहतान अली बिन सुफयान को सुनाए जो लड़की ने सुल्तान अयूबी पर लगाए थे। अली ने मुस्कुरा कर कहा, तुम पांच तरबियत याफ्ता अस्करी और तीरंदाज हो और एक आदमी तुमसे लड़की भी ले गया और ऊंट भी। उसने उन्हीं की निशानदही पर जमीन में दबाई हुई कमान और तरकिश भी निकलवा ली। उन चारों को खेमा गाह में भिजवा दिया गया। पांचवा आदमी तड़प तड़प कर मर चुका था। ऊंट के पांव के निशान साफ नजर आ रहे थे। अली बिन सुफयान ने नहायत सरत से 10 सवार बुलाए और उन्हें अपनी कमान में लेकर उस तरफ रवाना हो गया जिधर ऊंट गया था। मगर ऊंट की रवानगी और उसके ताकब में अली बिन सुफयान की रवानगी में 14-15 घंटों का फर्क था। ऊंट तेज था और उसे आराम की भी ज्यादा जरूरत नहीं थी। ऊंट पानी और खुराक के बगैर 6-7 दिन तरोताजा रह सकता है। उसके मुकाबले में घोड़ों को रास्ते में कई बार आराम, पानी और खुराक की जरूरत थी। इन अनासिर ने ताकुब नाकाम बना दिया। ऊंट ने 14-15 घंटों का फर्क पूरा ना होने दिया। फखरुल मिस्री ने ताकुब के पेश नजर क्याम बहुत कम किया था। अली बिन सुफयान को रास्ते में सिर्फ एक चीज मिली, ये एक थैला था
उसने रुककर थैला उठाया, खोलकर देखा उसमें खाने पीने की चीजें थी। इस थैले में एक और थैला था, इसमें भी वही चीजें थी। अली बिन सुफयान के सूंघने की तेज हिस ने उसे बता दिया कि इन अशिया में हशीश मिली हुई है। रास्ते में उसे दो जगह ऐसे आसार मिले थे जिनसे पता चलता था कि यहाँ ऊंट रुका है और सवार यहाँ बैठे हैं। खजूरों की गुठलियां, फलों के बीज और छिलके भी बिखरे हुए थे। थैले ने उसे शक में डाल दिया। उसके जहन में ये शक न आया कि फखरुल मिस्री को हशीश के नशे में लड़की अपने मुहाफिज के तौर पर साथ ले जा रही है। ताहम उसने थैला अपने पास रखा, मगर थैले की तलाशी और क्याम ने वक्त जाया कर दिया था। फखरुल मिस्री और मुबी मंजिल पर ना भी पहुंचते और रास्ते में पकड़े भी जाते तो कोई फर्क न पड़ता। सुडानी लश्कर में नाजी, अदरश और उनके साथी जो जहर फैला चुके थे वो असर कर गया था। फातिमी खिलाफत के वो फौजी सरबरा जो बराए नाम जर्नैल और दरअसल हाकिम बने हुए थे, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को एक नाकाम अमीर और बेकार हाकिम साबित करना चाहते थे। मुसलमान हुक्मरान हरम में उन लड़कियों के असीर हो गए थे जिनमें बेशतर ईसाई और यहूदी थी। उनके नाम इस्लामी थे, हुकूमत का कारोबार खुद साख्ता अफसर चला रहे थे, मनमानी और ऐशो इशरत कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि सलाहुद्दीन अयूबी जैसा कोई मजहब पसंद और कौम परस्त कायद कौम को जगा दे और हुक्मरान और सुल्तानों को हरम की जन्नत से बाहर लाकर हकायक की दुनिया में ले आए। सुल्तान अयूबी के पहले मारकों से जो उन्होंने अपने चचा शेरकोह की क़यादत में लड़े थे, ये लोग जान चुके थे कि अगर ये शख्स इख्तदार में आ गया तो इस्लामी सल्तनत को मजहब और अखलाकियात की पाबंदियों में जकड़ लेगा। लिहाजा उन्होंने हर वो दाव खेला जो सुल्तान अयूबी को चारों शाने चित गिरा सकता था। उन्होंने दरपर्दा सलीबियों से तावन किया और उनके जासूसों और तखरीबकारों के लिए जमीन हमवार की और उसी के रास्ते में चटाने खड़ी की। अगर नूरुद्दीन जंगी ना होते तो आज ना सलाहुद्दीन अयूबी का तारीख में नाम होता, ना आज नक्शे पर इतने ज्यादा इस्लामी मुमालिक नजर आते। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने जरा से इशारे पर भी सुल्तान अयूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कुमक और मदद भेजी। सलीबियों ने मिस्री फौज के सोडानियों के बुलावे पर बहराए रूम से हमला किया तो नूरुद्दीन जंगी ने इत्तला मिलते ही खुश्की पर सलीबियों की एक ममलिकत पर हमला करके उनके इस लश्कर को मफलूज कर दिया जो मिस्र पर हमला करने के लिए जा रहा था। ये तो सुल्तान अयूबी का निजाम जासूसी ऐसा था कि उन्होंने सलीबियों का बेड़ा गर्क कर दिया। अब अली बिन सुफयान ने जंगी की तरफ बर्क रफ्तार कासिद ये खबर देने के लिए दौड़ा दिए कि सुडानियों की बगावत का खतरा है और हमारी फौज कम भी है और ये फौज दो हिस्सों में बट भी गई है। कासिद पहुंच गए थे और नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने खासी फौज को मिस्र की तरफ कूच का हुक्म दे दिया था। बाज मुअर्रखीन ने इस फौज की तादाद 2000 सवार और प्यादा लिखी है और कुछ इससे ज्यादा बताते हैं। बहरहाल जंगी ने अपनी मुश्किलात और जरूरियात की परवाह न करते हुए सुल्तान अयूबी की मुश्किलात और जरूरियात को अहमियत और अव्वलियत दी, मगर उनकी फौज को पहुंचने के लिए बहुत से दिन दरकार थे। मुसलमान नाम निहाद फौजी और दीगर सरकर्ता शख्सियतों ने देखा कि मिस्र में सुल्तान अयूबी के खिलाफ बेइत्मीनानी और बगावत फूट रही है तो उन्होंने उसे हवा दी। दरपर्दा सुडानियों को उकसाया और अपने मुखबरों के जरिए यह भी मालूम कर लिया कि सुडानियों के सालारों को मरवा कर खुफिया तरीके से दफन कर दिया गया है। सुडानियों के लश्कर के कम रुतबे वाले कमांडर सालार बन गए और सलाहुद्दीन अयूबी की इस कलील फौज पर हमला करने के मंसूबे बनाने लगे जो मिस्र में मुकीम थी। वो सुल्तान अयूबी की आधी फौज और सुल्तान की दारुल हुकूमत से गैर हाजिरी से फायदा उठाना चाहते थे। मंसूबा ऐसा था जिसके तहत 50,000 सूडानी फौज स्याह घटा की तरह मिस्र के आसमान से इस्लाम के चांद को रूपोश करने वाली थी। अली बिन सुफयान काहिरा पहुंच गया। वो जिनके ताकुब में गया था उनका उससे आगे कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उसने अपने उन जासूसों को बुलाया जो उसने सूडानी हेडक्वार्टर और फौज में छोड़ रखे थे। उनमें से एक ने बताया कि गुज़िश्ता रात एक ऊंट आया था, अंधेरे में जो कुछ नजर आ सका वो दो सवार थे, एक औरत और एक मर्द। जासूस ने यह भी बताया कि वो कौन सी इमारत में दाखिल हुए थे। अली बिन सुफयान को ये इख्तियार हासिल था कि वहाँ छापा मारता। सुडानी फौज सल्तनत इस्लामिया की फौज थी, कोई आजाद फौज नहीं थी, मगर अली ने इस खतरे के पेश नजर छापा न मारा कि ये जल्दी पर तेल का काम करेगा। उसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि मूबी और फखरुल मिस्री को गिरफ्तार करना है, बल्कि असल मकसद ये था कि सुडानी क्यादत के अजायम और आइंदा मनसूबे मालूम किए जाएं ताकि पेशबंदी की जा सके। उसने अपने जासूसों को नई हिदायत जारी की। जासूसों में गैर मुस्लिम लड़कियां भी थीं जो ईसाई या यहूदी नहीं थीं। ये कहबा खानों की बड़ी जहीन और तेज तर्रार लड़कियां थीं
मगर अली बिन सुफयान ने उन पर कभी 100% भरोसा नहीं किया था, क्योंकि वो दोगला खेल भी सकती थी। उन लड़कियों से भी उस लड़की यानी मूबी का सुराग ना मिल सका जिसके ताकुब में अली आया था। 4 रोज अली बिन सुफयान दारुल हुकूमत से बाहर मारा मारा फिरता रहा। उसका दायरे कार सूडानी फौजी क्यादत के इर्द गिर्द का इलाका था। 5वीं रात वो बाहर खुले आसमान तले बैठा अपने 2 जासूसों से रिपोर्ट ले रहा था। उसके तमाम आदमियों को मालूम हो चुका था कि किस वक्त वो कहाँ होता है। उसके गिर्द का एक आदमी को साथ लिए उसके पास आया और कहा कि अपना नाम फखरुल मिस्री बताता है, झाड़ियों में डगमगाता गिरता और उठता था। मैंने इससे बात की तो कहने लगा कि मुझे मेरी फौज तक पहुंचा दो। इससे अच्छी तरह बोला भी नहीं जाता। इस दौरान फखरुल मिस्री बैठ गया था। तुम वही कामानदार हो ना जो महाज से एक लड़की के साथ भागे हो? अली बिन सुफयान ने उससे पूछा। मैं सुल्तान की फौज का भगोड़ा हूँ, फखर ने हकलाती लड़खड़ाती जुबान में कहा। सजाए मौत का हकदार हूँ, लेकिन मेरी पूरी बात सुन लें वरना तुम सबको सजाए मौत मिलेगी। अली बिन सुफयान उसके लबो लहजे से समझ गया कि ये शख्स नशे में है या नशे की तलब ने इसका ये हाल कर रखा है। वो इसे अपने दफ्तर में ले गए और उसे वो थैला दिखाया जो उसे रास्ते में पड़ा मिला था। पूछा, ये थैला तुम्हारा है और तुम इससे ये चीजें खाते रहे हो? हाँ, फखरुल मिस्री ने जवाब दिया, वो मुझे इसी से खिलाती थी। उसके सामने वो थैला भी पड़ा था जो थैले के अंदर से निकला था। अली ने इसमें से चीजें निकालकर सामने रख ली थी। फखर ने ये चीजें देखी तो झपट कर मिठाई की कस्म का एक टुकड़ा उठा लिया। अली ने झपट कर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। फखर ने बेताबी से कहा, खुदा के लिए मुझे ये खाने दो, मेरी जान और रूह इसी में है। मगर अली ने उससे वो टुकड़ा छीन लिया और उसे कहा, मुझे सारी वारदात सुनाओ, फिर ये सारी चीजें उठा लेना। फखरुल मिस्री नढाल और बेजान हुआ जा रहा था। अली बिन सुफयान ने उसे एक सफूफ खिला दिया जो हशीश का तोड़ था। फखर ने उसे तमाम तर वाकया सुना दिया कि वो कैंप से लड़की के ताकुब में किस तरह गया था। ताजरों ने उसे कहवा पिलाया था जिसके असर से वो किसी और ही दुनिया में जा पहुंचा था। ताजरों यानी सलीबी जासूसों ने उससे जो बातें की थीं वो भी उसने बताई, और फिर लड़की के साथ उसने ऊंट पर जो सफर किया था वो इस तरह सुनाया कि वो मुसलसल चलते रहे। ऊंट ने बड़ी अच्छी तरह साथ दिया। रात को वो थोड़ी देर कयाम करते थे। लड़की उसे खाने को दूसरे थैले में से चीजें देती थी। वो अपने आप को बादशाह समझता था। लड़की ने उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया और शादी का वादा किया था, और यह शर्त रखी थी कि वो उसे सूडानी कमांडरों के पास पहुंचा दे। वो रास्ते में ही लड़की को शादी के बगैर बीवी बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन लड़की उसे अपनी बाहों में लेकर प्यार और मोहब्बत में ऐसे इरादे और ख्वाहिश को मार देती। फखरी ने महसूस तक न किया कि लड़की उसे हशीश और अपने हुस्न व शबाब के कब्जे में लिए हुए है। तीसरे पड़ाव में जब उन्होंने खाने पीने के लिए ऊंट रोका तो थैला गायब पाया जो ऊंट के दौड़ने से कहीं गिर पड़ा था। लड़की ने उससे कहा कि वापस चलकर थैला ढूंढ लेते हैं, लेकिन फखरुल मिस्री ने कहा कि वो भगोड़ा फौजी है, खदशा है कि उसका ताकुब हो रहा होगा। लड़की जिद करने लगी कि थैला जरूर ढूंढेंगे। फखर ने उसे यकीन दिलाया कि भूखा मरने का कोई खतरा नहीं, रास्ते में किसी आबादी से कुछ ले लेंगे, मगर लड़की आबादी के करीब जाना नहीं चाहती थी। वो कहती थी कि वापस चलो। फखरुल मिस्री ने उसे जबरदस्ती ऊंट पर बिठा लिया और उसके पीछे बैठकर ऊंट को उठाया और दौड़ा दिया। वो सफर की 3री रात थी। अगली शाम वो शहर से बाहर सूडानियों के एक कमांडर के यहाँ पहुंचे, मगर फखरुल मिस्री अपने सर के अंदर ऐसी बेचैनी महसूस करने लगा जैसे खोपड़ी में कीड़े रींग रहे हों। आहिस्ता आहिस्ता वो हकीकी दुनिया में आ गया। वो समझ न सका कि ये हशीश न मिलने का असर है। उसकी तसव्वुराती बादशाही और जहन में बसाई हुई जन्नत थैले में कहीं रेगजार में गिर गई थी। लड़की ने उसके सामने कमांडर को सलीबियों का पैगाम दिया और उसे बगावत पर उकसाया। फखर पास बैठा सुनता रहा और उसके जहन में कीड़े बड़े होकर तेजी से रींगने लगे। नशा उतर चुका था, उसे याद आने लगा कि वो महाज से भाग आया है। लड़की यानी मूबी को यही खुशफहमी होगी कि फखर पर नशा तारी है। चुनाचे उसने बेखौफ कमांडर से ये भी कह दिया कि सुल्तान अयूबी और अली बिन सुफयान के दरमियान ये गलत फहमी पैदा करनी है कि वो जाहरी तौर पर नेक बने फिरते हैं मगर औरत और शराब के दिलदादा हैं। उनकी इस तवील गुफ्तगु में बगावत की बातें भी हुईं। उस वक्त तक फखरुल मिस्री पूरी तरह बेदार हो चुका था, लेकिन सर के अंदर की बेचैनी उसे बहुत परेशान कर रही थी। लड़की ने कमांडर से कहा कि अगर बगावत करनी है तो वक्त जाया ना करें, सुल्तान अयूबी महाज पर है और उलझा हुआ है। लड़की ने यह झूठ बोला कि सलीबी 3-4 दिनों बाद दूसरा हमला करने वाले हैं। सुल्तान अयूबी को यहां से भी फौज महाज पर बुलानी पड़ेगी। कमांडर ने लड़की को बताया कि 6-7 दिनों तक सूडानी लश्कर यहां की फौज पर हमला कर देगा।
फखर ये सारी गुफ्तगू सुनता रहा। आधी रात के बाद उसे अलग कमरे में भेज दिया गया जहां उसके सोने का इंतजाम था। लड़की और कमांडर दूसरे कमरे में रहे। दरमियान में दरवाजा था जो बंद कर दिया गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने दरवाजे के साथ कान लगाए तो उसे हंसी की आवाजें सुनाई दी। फिर लड़की के ये अल्फाज सुनाई दिए, उसे हशीश के जोर पर जहां तक लाई हूं और उसकी महबूबा बनी रही हूं, मुझे एक महाफिज की जरूरत थी। हशीश का थैला रास्ते में गिर पड़ा है, अगर सुबह इसे खुराक ना मिली तो यह परेशान करेगा। इसके बाद फखर ने दूसरे कमरे से जो आवाजें सुनी वो उसे साफ बता रही थी कि शराब पी जा रही है और बदकारी हो रही है। बहुत देर बाद उसे कमांडर की आवाज सुनाई दी, ये आदमी अब हमारे लिए बेकार है, इसे कैद में डाल देते हैं या खत्म करा देते हैं। लड़की ने इसकी ताईद की। फखरुल मिस्री पूरी तरह बेदार हो गया और वहां से निकल भागने की सोचने लगा। रात का पिछला पहर था, वो इस कमरे से निकला, उसका दिमाग साथ नहीं दे रहा था। कभी तो दिमाग साफ हो जाता मगर ज्यादा देर माउफ रहता। सुबह की रोशनी फैलने तक वो खतरे से दूर निकल गया था। अब इसे दोहरे ताकुब का खतरा था। दोनों तरफ उसे मौत नजर आ रही थी। अपनी फौज के हाथों गिरफ्तार हो जाता तो भी मुजरिम था, और अगर सोडानी पकड़ लेते तो फौरन कत्ल कर देते। वो दिन भर फिरौन के खंडरों में छुपा रहा। हशीश की तलब, खौफ और गुस्सा उसके जिस्म और दिमाग को बेकार कर रहा था। रात तक वो चलने फिरने से भी माजूर हुआ जा रहा था। फिर उसे ये भी एहसास न रहा कि ये दिन है या रात और वो कहाँ है। उसके दिमाग में ये इरादा भी आया कि उस ईसाई लड़की को जाकर कत्ल कर दे। ये सोच भी आई कि ऊंट या घोड़ा मिल जाए और वो महाज पर सुल्तान अयूबी के कदमों में जा गिरे। मगर जो भी सोच आती उस पर अंधेरा छा जाता था जो उसकी आंखों के सामने आकर हर चीज तारीख कर देता था। इसी हालत में उसे ये आदमी मिला। वो चूंकि जासूस था इसलिए तरबियत के मुताबिक उसने फखरुल मिस्री के साथ दोस्ती और हमदर्दी की बातें की और उसे अली बिन सुफियान के पास ले आया। तस्दीक हो गई कि सूडानी लश्कर हमला और बगावत करेगा और ये किसी भी लम्हे हो सकता है। अली बिन सुफियान सोच रहा था कि मकामी कमांडरों को फौरन चौकन्ना करे और सुल्तान अयूबी को इतला दे, मगर वक्त जाया होने का खतरा था। इतने में उसे पैगाम मिला कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बुला रहे हैं। वो हैरान होकर चल पड़ा कि सुल्तान को तो वो महाज पर छोड़ आया है। वो सुल्तान अयूबी से मिला तो सुल्तान ने बताया कि मुझे इतला दी गई थी कि साहिल पर सलीबी जासूसों का एक गिरोह मौजूद है और उनमें से कुछ इधर भी आ गए होंगे। महाज पर मेरा कोई काम नहीं रह गया था, मैं कमान अपने रफीकों को देखकर यहाँ आ गया। इस कदर बेचैन था कि मैं यहाँ बहुत बड़ा खतरा महसूस कर रहा था। यहाँ की क्या खबर है? अली बिन सुफियान ने उन्हें सारी खबर सुना दी और कहा, अगर आप चाहें तो मैं जबान का हथियार इस्तेमाल करके बगावत को रोकने की कोशिश करूं या सुल्तान जंगी की मदद आने तक मुलतवी करा दूं। मैं जासूसों को भी इस्तेमाल कर सकता हूं, हमारी फौज बहुत कम है, हमले को नहीं रोक सकेगी। सुल्तान अयूबी टहलने लगे, उनका सर झुका हुआ था, वो गहरी सोच में खो गए थे और अली बिन सुफियान उन्हें देख रहा था। सुल्तान ने रुक कर कहा, हाँ अली, तुम अपनी जबान और अपने जासूस इस्तेमाल करो, लेकिन हमले रोकने के लिए नहीं बल्कि हमले के हक में। सुडानियों को हमला करना चाहिए मगर रात के वक्त, जब हमारी फौज खेमों में सोई हुई होगी। अली बिन सुफियान ने हैरत से सुल्तान को देखा। सुल्तान ने कहा, यहाँ के तमाम कमांडरों को बुलवा लो और तुम भी आ जाओ। सुल्तान अयूबी ने अली बिन सुफियान को यह हिदायत बड़ी सख्ती से दी, सबको ये बता देना कि मेरे मुतालिक उनके सिवा किसी को मालूम ना हो कि मैं महाज से यहाँ आ गया हूँ। सुडानियों से मेरी यहाँ मौजूदगी को पोशीदा रखना बेहद जरूरी है, मैं बड़ी एहतियात से खुफिया तरीके से आया हूँ। नाज़रीन, आज की किस्त में इतना ही। हमारी नई वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगेबान। अरब में हम मुसलमानों की कमजोरियों से फायदा उठा चुके हैं। मुसलमान औरत, शराब और दौलत से अंधा हो जाता है। मुसलमान को मारने का बेहतरीन तरीका ही यही है कि उसे मुसलमानों के हाथों मरवाओ। मुसलमानों को जहनी अयाशी का सामान मुहैया कर दो तो वो अपने दीन और ईमान से दस्तबरदार हो जाते हैं। तुम मुसलमानों का ईमान आसानी से खरीद सकते हो। उसने अरब के कई उमरा और वजरा की मिसालें दी जिन्हें सलीबियों ने औरत, शराब और दौलत से खरीद लिया था और उन्हें अपना दरपर्दा दोस्त बना लिया था। कुछ देर मुसलमानों की कमजोरियों के मुतालिक बातें हुई, फिर लड़कियों को आज़ाद कराने के अमली पहलुओं पर गौर हुआ। आखिर ये तय पाया कि 20 नहायत दलेर आदमी इस काम के लिए रवाना किए जाएं और वो अगली शाम तक रवाना हो जाएं। उसी वक्त 4-5 कमांडरों को बुलाया गया
उन्हें असल मकसद और मुहिम बताकर कहा गया कि 20 आदमी मुंतखब करें। कमांडरों ने थोड़ी देर इस मुहिम के खतरों के मुतालिक बहस मुबाहिसा किया। एक कमांडर ने कहा, हम पहले ही ऐसी एक फोर्स तैयार कर रहे हैं जो मुसलमानों के कैंपों पर शब खून मारा करेगी और उनकी मुतहरिक फौज पर भी रात को हमले करके परेशान करती रहेगी। इस फोर्स के लिए हमने चंद एक आदमी मुंतखब किए हैं, लेकिन ये आदमी 100% काबिल एतमाद होने चाहिए। ऑगस्टस ने कहा, वो हमारी तुम्हारी नजरों से ओझल होकर ये काम करेंगे। ये भी हो सकता है कि वो कुछ भी ना करें और वापस आकर कहें कि वो बहुत कुछ करके आए हैं। आप ये सुनकर हैरान होंगे, एक कमांडर ने कहा, कि हमारी फौज में ऐसे सिपाही भी हैं जिन्हें हमने जेल खानों से हासिल किया है। ये डाकू, चोर और राहजन थे। उन्हें बड़ी बड़ी लंबी सजाएं दी गई थी। उन्हें जेल खानों में मरना ही था। हमने उनसे बात की तो वो जोश व खरोश में फौज में आ गए। आपको शायद ये मालूम करके भी हैरत हो कि नाकाम हमले में इन सजा याफ्ता मुजरिमों ने बड़ी बहादुरी से कई जहाज बचाए हैं। मैं लड़कियों को मुसलमानों से आजाद करने की मुहिम में ऐसे 3 आदमी भेजूंगा। मौर्रिखों ने लिखा है कि मुसलमानों में ऐशो इशरत का रुझान बढ़ गया और इत्तेहाद खत्म हो रहा था। ईसाइयों ने मुसलमानों को अखलाकी तबाही तक पहुँचाने में जहनी अयाशी का हर सामान मुहैया किया। अब उन्हें यह तवक्को थी कि मुसलमानों को एक ही हमले में खत्म कर देंगे। चुनाचे उनके खिलाफ ईसाई दुनिया में नफरत की तूफानी मुहिम चलाई गई और हर किसी को इस्लाम के खिलाफ जंग में शरीक होने की दावत दी गई। इसके जवाब में मुआशरे के हर शोबे के लोग सलीबी लश्कर में शामिल होने लगे। उनमें पादरी भी शामिल हुए और आदि मुजरिम भी गुनाहों से तौबा करके मुसलमानों के खिलाफ मुसल्ला हो गए। बाज़ मुल्कों के जेल खानों में जो मुजरिम लंबी कैद की सजाएं भुगत रहे थे, वो भी फौज में भर्ती हो गए। इन मुजरिमों के मुतालिक ईसाइयों का तजुर्बा गालिबन अच्छा था, जिसके पेश नज़र एक कमांडर ने लड़कियों को आज़ाद कराने और सलाहुद्दीन को कत्ल करने के लिए कैदी मुजरिमों का इंतखाब किया था। सुबह तक 20 इंतहाई दलेर और जहीन आदमी चुन लिए गए। उनमें मैग्ना नामेरियस भी था, जिसे रोम के जेलखाने से लाया गया था। उस जासूस को जो डॉक्टर के बहरूप में सुल्तान अयूबी के कैंप में रहा और फरार होकर आया था, उस कमांडो पार्टी का कमांडर और गाइड मुकर्रर किया गया। इस पार्टी को ये मिशन दिया गया कि लड़कियों को मुसलमानों की कैद से निकालना है। अगर रॉबिन और उसके 4 साथियों को भी आज़ाद कराया जा सके तो करा लेना, वरना उनके लिए कोई खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं। दूसरा मिशन ये था कि सलाहुद्दीन को कत्ल किया जाए। इस पार्टी को कोई अमली ट्रेनिंग न दी गई, सिर्फ जबानी हिदायत और जरूरी हथियार देकर उसी रोज एक बादबानी कश्ती में माहीगीरों के भेस में रवाना कर दिया गया। जिस वक्त ये कश्ती इटली के साहिल से रवाना हुई, सलाहुद्दीन अयूबी सूडानियों की बगावत को मुकम्मल तौर पर दबा चुके थे। सूडानियों के बहुत से कमांडर मारे गए या जख्मी हो गए थे और बहुत से सुल्तान अयूबी के दफ्तर के सामने खड़े थे। उन्होंने हथियार डालकर शिकस्त और सुल्तान अयूबी की अताहत कबूल कर ली थी। वो सुल्तान के हुक्म के मुंतजर थे। सुल्तान अंदर बैठे अपने सालारों वगैरह को अहकाम दे रहे थे। अली बिन सुफियान भी वहीं मौजूद था। इस फतह में इसका बहुत अमल दखल था। सलीबियों को शिकस्त देने में भी उसके निजाम जासूसी ने बहुत काम किया था, बल्कि ये दोनों कामयाबियां जासूसी के निजाम की ही कामयाबियां थी। सुल्तान अयूबी को जैसे अचानक कुछ याद आ गया हो। उन्होंने अली बिन सुफियान से कहा, अली, हमें इन जासूस लड़कियों और उनके साथियों के मुतालिक सोचने का वक्त ही नहीं मिला। वो अभी तक साहिल पर कैदी कैंप में है। उन सबको फौरन यहाँ लाने का बंदोबस्त करो और तहखाने में डाल दो। मैं अभी पैगाम देता हूँ, अली बिन सुफियान ने कहा। उन सबको यहाँ पहरे में बुलवा लेता हूँ। सुल्तान, आप शायद 7वीं लड़की को भूल गए हैं। वो सूडानियों के एक कमांडर बालियान के पास थी। उस लड़की से जासूसियों और बगावत का इंकशाफ हुआ था। मैं देख रहा हूँ कि बासियान उन कमांडरों में से नहीं है जो बाहर मौजूद हैं, और वो जख्मियों में भी नहीं है, बल्कि मरे हुए भी मैं देख चुका हूँ, वहाँ भी वो मौजूद नहीं। मुझे शक है कि 7वीं लड़की, जिसका नाम फखर अल मिस्री ने मूवी बताया है, बालियान के साथ कहीं रूपोश हो गई है। अपना शक रफा करो अली, सुल्तान अयूबी ने कहा। यहाँ मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं। बालियान लापता है तो बहरा रूम की तरफ निकल गया होगा। सलीबियों के सिवा इसे कौन पनाह दे सकता है? बहरहाल, उन जासूसों को तहखानों में डालो और अपने जासूस फौरन तैयार करके समंदर पार भेज दो। ज्यादा जरूरी तो यह है कि अपने जासूस अपने ही मुल्क में फैला दिए जाए। ये मशवरा देने वाला सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की भेजी हुई फौज का सालार था। उसने कहा, हमें सलीबियों की तरफ से इतना खतरा नहीं जितना अपने मुसलमान उमरा से है। अपने जासूस उनके हरमों में दाखिल कर दिए जाएं तो बहुत सी साजिशें बेनकाब हो जाएंगी। उसने तफसील से बताया कि ये खुद साख्ता हुक्मरान किस तरह सलीबियों के हाथों में खेल रहे हैं। सुल्तान जंगी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर परेशान रहते हैं कि बाहर के हमलों को रोकें
या अपने घर को अपने ही चिराग से जलने से बचाएं। सलाहुद्दीन अयूबी ने यह रोयदाद गौर से सुनी और कहा, अगर तुम लोग जिनके पास हथियार हैं दयानतदार और अपने मजहब से मुखलस रहे तो बाहर हमले और अंदर की साजिशें कौम का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। तुम अपनी नजर सरहदों से दूर आगे ले जाओ। सल्तनत इस्लामिया की कोई सरहद नहीं। तुमने जिस रोज अपने आप को और खुदा के इस अजीम मजहब इस्लाम को सरहदों में पाबंद कर लिया, उस रोज से यूं समझो कि तुम अपने ही कैद खाने में कैद हो जाओगे। फिर तुम्हारी सरहदें सुकड़ने लगेंगी। अपनी नजरें बहरे रूम से आगे ले जाओ। समंदर तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकते। घर के चिरागों से न डरो, ये तो एक फूंक से गुल हो जाएंगे। इनकी जगह हम ईमान के चिराग रोशन करेंगे। हमें उम्मीद है कि हम ईमान फरोशी को रोक लेंगे, सुल्तान मोहतरम, सालार ने कहा। हम मायूस नहीं, सिर्फ दो लानतों से बचो मेरे अजीज रफीको, सुल्तान अयूबी ने कहा। मायूसी और ज़हनी अय्याशी। इंसान पहले मायूस होता है, फिर ज़हनी अय्याशी के जरिए राह फरार इख्तियार करता है। इस दौरान अली बिन सुफियान जा चुका था। उसने फौरन एक कासिद बहरे रूम की कैंप की तरफ इस पैगाम के साथ रवाना कर दिया कि रॉबिन उसके चार साथियों और लड़कियों को घोड़ों या ऊंटों पर सवार करके 20 मुहाफिजों के पहरे में दारुल हुकूमत को भेज दो। कासिद को रवाना करके उसने अपने साथ 6-7 सिपाही लिए और कमांडर बालियान की तलाश में निकल गया। उसने उन सूडानी कमांडरों से जो बाहर बैठे थे बालियान के मुतालिक पूछ लिया था। सबने कहा था कि उसे लड़ाई में कहीं भी नहीं देखा गया था और ना ही वो इस फौज के साथ गया था जो बहराए रोम की तरफ सुल्तान की फौज पर हमला करने के लिए भेजी गई थी। अली बिन सुफियान बालियान के घर गया तो वहां उसकी दो बूढ़ी खादमाओं के सिवा कोई ना था। उन्होंने बताया कि बालियान के घर में 5 लड़कियां थीं। उनमें जिसकी उम्र जरा ज्यादा हो जाती थी उसे वो गायब कर देता था और उसकी जगह जवान लड़की ले आता था। इन खादमाओं ने बताया कि बगावत से पहले उसके पास एक फिरंगी लड़की आई थी जो गैर मामूली तौर पर खूबसूरत और होशियार थी। बालियान इसका गुलाम हो गया था। बगावत के एक रोज बाद जब सूडानियों ने हथियार डाल दिए तो बालियान रात के वक्त घोड़े पर सवार हुआ, दूसरे घोड़े पर उस फिरंगी लड़की को सवार किया और मालूम नहीं दोनों कहां रवाना हो गए। उनके साथ 7 घोड़ सवार थे। हरम की लड़कियों के मुतालिक बूढ़ियों ने बताया कि वो घर में जो हाथ लगा उठाकर चली गई हैं। अली बिन सुफियान वहां से वापस हुआ तो एक घोड़ा सरपट दौड़ा आया और अली बिन सुफियान के सामने रुका। उस पर फखरुल मिस्री सवार था। कूदकर घोड़े से उतरा और हांपती कांपती आवाज में बोला, मैं आपके पीछे आया हूँ। मैं भी उसी बदबख्त बालियान और उस काफिर लड़की को ढूंढ रहा था। मैं उनसे इंतकाम लूंगा। जब तक उन दोनों को अपने हाथों कत्ल नहीं कर लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। मैं जानता हूँ वो किधर गए हैं। मैंने उनका पीछा किया है लेकिन उनके साथ 7 मुसल्ला मुहाफिज हैं। मैं अकेला था। वो बहरे रूम की तरफ जा रहे हैं मगर आम रास्ते से हट कर जा रहे हैं। उसने अली बिन सुफियान के घुटनों पर हाथ रखकर कहा, खुदा के लिए मुझे सिर्फ 4 सिपाही दे दें, मैं इनके ताकुब में जाऊंगा और उन्हें ख़त्म करके आऊंगा। अली बिन सुफियान ने उसे इस वादे से ठंडा किया कि वो उसे 4 के बजाय 20 सवार देगा। वो साहिल से आगे इतनी जल्दी नहीं जा सकते, मेरे साथ रहो। अली बिन सुफियान मुतमईन हो गया कि ये तो पता चल गया है कि वो किस तरफ गए हैं। उस वक्त बालियान उस सलीबी लड़की के साथ जिसका नाम मूबी था साहिल की तरफ जाने वाले आम रास्ते से हटकर दूर जा चुका था। इन इलाकों से वो अच्छी तरह वाकिफ था। उसे मालूम नहीं था कि सूडानी फौज और उसके कमांडरों को सलाहुद्दीन अयूबी ने माफी दे दी है। एक तो वो सुल्तान के अताब से भाग रहा था और दूसरे ये कि वो मोबी जैसी हसीन लड़की को नहीं छोड़ना चाहता था। वो समझता था कि दुनिया की हसीन लड़कियां सिर्फ मिस्र और सूडान में ही हैं, मगर इटली की इस लड़की के हुस्न और दिलकशी ने उसे अंधा कर दिया था। उसकी खातिर वो अपना रुतबा, अपना मजहब और अपना मुल्क ही छोड़ रहा था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि मूबी उससे जान छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो जिस मकसद के लिए आई थी वो खत्म हो चुका था। वो मकसद तबाह हो गया था, ताहम मूबी अपना काम कर चुकी थी। उसके लिए उसने अपने जिस्म और अपनी इज्जत की कुर्बानी दी थी। वो अभी तक अपनी उम्र से दुगनी उम्र के आदमी की अय्याशी का जरिया बनी हुई थी। बालियान इस खुशफहमी में मुबतला था कि मूबी इसे बुरी तरह चाहती है, मगर मूबी उससे नफरत करती थी। वो चूंकि मजबूर थी इसलिए अकेली भाग नहीं सकती थी। वो इस मकसद के लिए बालियान को साथ लिए हुए थी कि उसे अपनी हिफाजत की जरूरत थी। उसे बहराए रूम पार करना था या रॉबिन तक पहुंचना था। उसे मालूम नहीं था कि रॉबिन और उसके साथी जो ताजरों के भेस में थे पकड़े जा चुके हैं। इस मजबूरी के तहत वो बालियान के हाथ में खिलौना बनी हुई थी। वो कई बार उसे कह चुकी थी कि तेज चलो और पड़ाव कम करो वरना पकड़े जाएंगे।
लेकिन बालियान जहां अच्छी सायादार जगह देखता रुक जाता। उसने शराब का जखीरा अपने साथ रख लिया था। एक रात मोबी ने एक तरकीब सोची। उसने बालियान को इतनी ज्यादा पिला दी कि वो बेसुध हो गया। उनके साथ जो सात मुहाफिज थे वो कुछ परे सो गए थे। मोबी ने देखा था कि उनमें एक ऐसा है जो जवान है और सब पर छाया रहता है। बालियान ज्यादातर उसी के साथ हर बात किया करता था। मोबी ने उसे जगाया और थोड़ी दूर ले गई। उसे कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और यहाँ क्यों आई थी। मैं तुम लोगों के लिए मदद लाई थी ताकि तुम सलाहुद्दीन अयूबी जैसे गैर मुल्कियों से आज़ाद हो जाओ, मगर तुम्हारा ये कामानदार बालियान इस कदर अय्याश आदमी है कि इसने शराब पीकर बदमस्त होकर मेरे जिस्म के साथ खेलना शुरू कर दिया। बजाय इसके कि वह अकलमंदी से बगावत का मंसूबा बनाता और फतह हासिल करता, उसने मुझे अपने हरम की लोंडी बना लिया और अंधाधुंध फौज को दो हिस्सों में तकसीम करके ऐसी लापरवाही से हमला किया कि एक ही रात में तुम्हारी इतनी बड़ी फौज खत्म हो गई। तुम्हारी शिकस्त का जिम्मेदार ये शख्स है। अब ये मेरे साथ सिर्फ अय्याशी के लिए जा रहा है और मुझे कहता है कि मैं इसे समंदर पार ले जाऊं, इसे अपनी फौज में रुतबा दिलाऊं और उसके साथ शादी कर लूं। मगर मुझे इस शख्स से नफरत है। मैंने फैसला किया है कि अगर मुझे शादी ही करनी है और अपने मुल्क में ले जाकर इसे फौज में रुतबा ही दिलवाना है, तो मुझे ऐसे आदमी का इंतखाब करना चाहिए जो मेरे दिल को अच्छा लगे, और वो आदमी तुम हो। तुम जवान हो, दलेर हो, अकलमंद हो। मैंने जब से तुम्हें देखा है तुम्हें चाह रही हूँ। मुझे इस बूढ़े से बचाओ, मैं तुम्हारी हूँ। समंदर पार चलो, फौज का रुतबा और मालो दौलत तुम्हारे कदमों में होगा, मगर इस आदमी को यहीं ख़त्म करो। वो सोया हुआ है, इसे कत्ल कर दो। आओ निकल चलें यहाँ से। उसने मुहाफिज के गले में बाहें डाल दी। मुहाफिज इसके हुस्न में गिरफ्तार हो गया। उसने दीवानावार लड़की को अपने बाजुओं में जकड़ लिया। मूबी इस जादूगरी की माहिर थी। वो जरा परे हट गई। मुहाफिज इसकी तरफ बढ़ा तो अकब से एक बर्ची उसकी पीठ में उतर गई। उसके मुंह से हाय निकली और वो पहलू के बल लुढ़क गया। बर्ची उसके पीठ से निकली और उसे आवाज सुनाई दी, नमक हराम को जिंदा रहने का हक नहीं। लड़की की चीख निकल गई। वो उठी और इतना ही कहने पाई कि तुमने इसे कत्ल कर दिया है कि पीछे से एक हाथ ने उसके बाजू को जकड़ लिया और झटका देकर अपने साथ ले गया। उसे बालियान के पास फेंक कर कहा, हम इस शख्स के पाले हुए दोस्त हैं, हमारी जिंदगी इसी के साथ है। तुम हम में से किसी को इसके खिलाफ गुमराह नहीं कर सकती। जो गुमराह हुआ उसने सजा पा ली है। बालियान शराब के नशे में बेहोश पड़ा था। तुम लोगों ने यह भी सोचा है कि तुम कहां जा रहे हो, मूबी ने पूछा। समंदर में डूबने, एक ने जवाब दिया। तुम्हारे साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक बालियान जाएगा हम वहीं तक जाएंगे। और वो दोनों जाकर लेट गए। दूसरे दिन बालियान जागा तो उसे रात का वाकया बताया गया। मूबी ने कहा कि वो मुझे जान की धमकी देकर अपने साथ ले गया था। बालियान ने अपने मुहाफिजों को शाबाश दी, मगर उनकी ये बात सुनी अनसुनी कर दी कि ये लड़की इसे गुमराह करके ले गई थी और उन्होंने इसकी बातें सुनी थी। वो मूबी के हुस्न और शराब में मदहोश होकर सब कुछ भूल गया। मूबी ने इसे एक बार फिर कहा कि तेज चलना चाहिए, मगर बालियान ने परवाह ना की। वो अपने आप में नहीं था। मूबी अब आजाद नहीं हो सकती थी। उसने देख लिया था कि ये लोग अपने दोस्तों को कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करते। अली बिन सुफियान ने ना जाने क्या सोचकर इनका ताकुब न किया। बगावत के बाद हालात को मामूल पर लाने के लिए वो सुल्तान अयूबी के साथ बहुत मसरूफ हो गया था। साहिल के कैंप से रॉबिन उसके चारों साथियों और 6 लड़कियों को 15 मुहाफिजों की गार्ड में काहिरा के लिए रवाना कर दिया गया। कासिद उनसे पहले रवाना हो चुका था। कैदी ऊंटों पर थे और गार्ड घोड़ों पर। वो मामूल की रफ्तार पर जा रहे थे और मामूल के मुताबिक पड़ाव कर रहे थे। वो बेखौफ खतर जा रहे थे। वहां किसी दुश्मन के हमले का डर नहीं था। कैदी निहत्थे थे और उनमें 6 लड़कियां थीं। किसी के भागने का भी डर नहीं था, मगर वो ये भूल रहे थे कि ये कैदी तरबियत याफ्ता जासूस हैं, बल्कि ये लड़ाका जासूस थे। उनमें जो ताजरों के भेस में पकड़े हुए थे वो मंजे हुए तीर अंदाज और तेगजन थे, और लड़कियां महज लड़कियां नहीं थीं जिन्हें वो कमजोर औरत समझ रहे थे। उन लड़कियों की जिस्मानी दिलकशी, यूरोपी रंगत की जाज़बियत, जवानी और उनकी बेहयाई ऐसे हथियार थे जो अच्छे अच्छे जाबिर हुक्मरानों से हथियार डलवा लेते थे। मुसलमानों का कमांडर मिस्री था। उसने देखा कि उन 6 में से एक लड़की उसकी तरफ देखती रहती है, और वो जब उसे देखता है तो लड़की के होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये मुस्कुराहट इस मिस्री को मौम कर रही थी। शाम के वक्त उन्होंने पहला पड़ाव किया तो सबको खाना दिया गया। इस लड़की ने खाना न खाया। कमांडर को बताया गया तो उसने लड़की के साथ बात की। लड़की उसकी जबान बोलती और समझती थी।
लड़की के आंसू निकल आए, उसने कहा कि वो उसके साथ अलहदगी में बात करना चाहती है। रात को जब सब सो गए तो कमांडर उठा, उसने लड़की को जगाया और अलग ले गया। लड़की ने उसे बताया कि वो एक मजलूम लड़की है और उसे फौजियों ने एक घर से अगवा किया और अपने साथ रखा, फिर इसे जहाज में अपने साथ लाए जहां वो एक अफसर की दाश्ता बनी रही। दूसरी लड़कियों के मुतालिक उसने बताया कि उनके साथ इसकी मुलाकात जहाज में हुई थी, उन्हें भी अगवा करके लाया गया था। अचानक जहाजों पर आग बरसने लगी और जहाज जलने लगा। इन लड़कियों को एक कश्ती में बिठाकर समंदर में डाल दिया गया। कश्ती उन्हें साहिल पर ले आई जहां उन्हें जासूस समझकर कैद में डाल दिया गया। ये वही कहानी थी जो ताजरों के बेस में जासूसों ने इन लड़कियों के मुतालिक सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुनाई थी। मिस्री गार्ड कमांडो को मालूम नहीं था, वो ये कहानी पहली बार सुन रहा था। उसे तो हुक्म मिला था कि ये खतरनाक जासूस हैं, उन्हें काहिरा ले जाकर सुल्तान के एक खुफिया महकमे के हवाले करना है। इस हुक्म के पेश नजर वो इन लड़कियों की या इस लड़की की कोई मदद नहीं कर सकता था। उसने इस लड़की को अपनी मजबूरी बता दी। उसे मालूम नहीं था कि लड़की की तरकश में अभी बहुत से तीर बाकी हैं। लड़की ने कहा, मैं तुमसे कोई मदद नहीं मांगती, तुम अगर मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें रोक दूंगी, क्योंकि तुम मुझे इतने अच्छे लगते हो कि मैं अपनी खातिर तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। मेरा कोई गमखार नहीं, मैं इन लड़कियों को बिल्कुल नहीं जानती और इन आदमियों को भी नहीं जानती। तुम मुझे रहम दिल भी लगते हो और मेरे दिल को भी अच्छे लगते हो, इसलिए तुम्हें ये बातें बता रही हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की के मुंह से इस कस्म की बातें सुनकर कौन सा मर्द अपने आप में रह सकता है। ये लड़की मजबूर भी थी, रात की तन्हाई भी थी। मिस्री की मर्दानगी पिघलने लगी, उसने लड़की के साथ दोस्ताना बातें शुरू कर दी। लड़की ने एक और तीर चलाया और सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार पर जहर उगलने लगी। उसने कहा, मैंने तुम्हारे गवर्नर सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपनी मजलूमियत की ये कहानी सुनाई थी, मुझे उम्मीद थी कि वो मेरे हाल पर रहम करेगा, मगर उसने मुझे अपने खैमे में रख लिया और शराब पीकर मेरे साथ बदकारी करता रहा। उस वहशी ने मेरा जिस्म तोड़ दिया है, शराब पीकर वो इतना वहशी बन जाता है कि उसमें इंसानियत ही नहीं रहती। मिस्री का खून खोलने लगा, उसने बेदक कर कहा, हमें कहा गया था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मोमिन है, फरिश्ता है, शराब और औरत से नफरत करता है। मुझे अब उसी के पास ले जाया जा रहा है, लड़की ने कहा, अगर तुम्हें यकीन आए तो रात को देख लेना कि मैं कहाँ होंगी। वो मुझे कैद खाने में नहीं डालेगा, अपने हरम में रख लेगा, मुझे उस आदमी से डर आता है। इस किस्म की बहुत सी बातों से लड़की ने उस मिस्री के दिल में सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ नफरत पैदा कर दी और वो पूरी तरह मिस्री पर छा गई, उसके दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया। मिस्री को मालूम नहीं था कि यही इन लड़कियों का हथियार है। लड़की ने आखिर में कहा, अगर तुम मुझे इस जलील जिंदगी से निजात दिला दो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी और मेरा बाप तुम्हें सोने की अशरफियों से मालामाल कर देगा। उसने इसका तरीका ये बताया, मेरे साथ समंदर पार भाग चलो, कश्तियों की कमी नहीं, मेरा बाप बहुत अमीर आदमी है, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी और मेरा बाप तुम्हें नहायत अच्छा मकान, बहुत सी दौलत देगा, तुम तिजारत कर सकते हो। मिस्री को ये याद रह गया था कि वो मुसलमान है, उसने कहा कि वो अपना मजहब तर्क नहीं कर सकता। लड़की ने जरा सोच कर कहा, मैं तुम्हारे लिए अपना मजहब छोड़ दूंगी। इसके बाद वो फरार और शादी का प्रोग्राम बनाने लगे। लड़की ने उसे कहा, मैं तुम पर जोर नहीं देती, अच्छी तरह सोच लो, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारी जो मोहब्बत पैदा हो गई है, इतनी तुम्हारे दिल में पैदा हुई है या नहीं। अगर तुम मुझे कबूल करने पर आमादा हो सकते हो तो सोच लो और कोशिश करो कि काहिरा तक हमारा सफर लंबा हो जाए, हम एक बार वहां पहुंच गए तो फिर तुम मेरी बू भी नहीं सूंघ सकोगे। लड़की का मकसद सिर्फ इतना था कि सफर लंबा हो जाए और 3 दिनों के बजाय 6 दिन रास्ते में ही गुजर जाए। इसकी वजह यह थी कि रॉबिन और उसके साथी फरार की तरकीबें सोच रहे थे। वो इस कोशिश में थे कि रात को सोए हुए मुहाफिजों के हथियार उठाकर उन्हें कत्ल किया जाए, जो नामुमकिन सा काम था, या उनके घोड़े चुरा कर भागा जाए। अभी तो पहला ही पड़ाव था, उनकी जरूरत यह थी कि सफर लंबा हो जाए ताकि वो इत्मीनान से सोच सकें। इस मकसद के लिए उन्होंने इस लड़की को इस्तेमाल किया कि वो मुहाफिजों के कमांडर को कब्जे में ले ले। लड़की ने पहली मुलाकात में ही ये मकसद हासिल कर लिया और मिस्री को मुंह मांगी कीमत दे दी। मिस्री कोई ऐसा बड़ा रुतबे वाला आदमी नहीं था, मामूली सा अहदेदार था। उसने कभी ख्वाब में भी इतनी हसीन लड़की नहीं देखी थी, कहां एक जीती जागती लड़की जो उसके तसव्वुरों से भी ज्यादा खूबसूरत थी उसकी लौंडी बन गई थी। वो अपना आप, अपना फर्ज और अपना मजहब ही भूल गया। वो एक लम्हे के लिए भी लड़की से अलग नहीं होना चाहता था। इस पागलपन में उसने सुबह के वक्त पहला हुक्म ये दिया कि जानवर बहुत थके हुए हैं, लिहाजा आज सफर नहीं होगा।
محافظوں اور شتربانوں کو اس حکم سے بہت خوشی ہوئی۔ وہ محاذ کی سختیوں سے اکتائے ہوئے تھے، انہیں منزل تک پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ دن بھر آرام کرتے رہے، گپ شپ لگاتے رہے، اور ان کا کمانڈر اس لڑکی کے پاس بیٹھا بدمست ہوتا جا رہا تھا۔ دن گزر گیا، رات آئی، اور جب سب سوئے ہوئے تھے تو مصری لڑکی کو ساتھ لیے وہ دور چلا گیا۔ لڑکی نے اسے آسمان پر پہنچا دیا۔ صبح جب یہ قافلہ چلنے لگا تو مصری کمانڈر نے راستہ بدل دیا۔ اپنے دستے سے اس نے کہا کہ اس طرف اگلے پڑاؤ کے لیے بہت خوبصورت جگہ ہے، قریب ایک گاؤں بھی ہے جہاں مرغیاں اور انڈے مل جائیں گے۔ اس کا دستہ اس پر بھی خوش ہوا کہ کمانڈر انہیں عیش کرا رہا ہے۔ البتہ اس دستے میں دو عسکری ایسے تھے جو کمانڈر کی ان حرکتوں سے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے اسے کہا کہ ہمارے پاس خطرناک قیدی ہیں، یہ سب جاسوس ہیں، انہیں بہت جلدی حکومت کے حوالے کر دینا چاہیے، بلا وجہ سفر لمبا کرنا ٹھیک نہیں۔ مصری نے انہیں یہ کہہ کر چپ کرا دیا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ جلدی پہنچوں یا دیر سے، جواب طلبی ہوئی تو مجھ سے ہوگی۔ دونوں خاموش تو ہو گئے، لیکن وہ الگ جا کر آپس میں خسر پسر کرتے رہے۔ ناظرین، آج کی قسط میں اتنا ہی۔ ہماری نئی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔